देखिए श्री राम की जो कथा है हम सबको क्यों इतनी छू जाती है, तो उनके जीवन में भी संघर्ष है। और कैसा संघर्ष, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा खून से रक्त रंजित शासन कहीं पे भी नहीं हुआ। जब भी महाभारत हुआ है उससे कम से कम 1000-2000 कम से कम वर्ष पूर्व ही रामायण हुआ होगा। वो उसके केश खींचता है और उसे जबरदस्ती अपनाने का प्रयत्न करता है। और सौरभ अभी ये भी देखिए, ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे अचानक कैसे हो गया, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, ये तो मुझे बताओ। तुमने तो वनवास केवल श्री राम का मांगा था, सीता की वनवास जाएगी। देखो ये जो नॉवेल का भाग है ना, लोग इसको लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं कि नहीं नहीं मास का अर्थ तो फल का गुदारी है। श्री राम जैसा बनना किसी को नहीं है, हर बात में हर चीज में राम और लक्ष्मण हमेशा एकत्रित रहे। तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? ऑफकोर्स थे। अपना जो धर्म है, जो बड़ा धर्म है, उसको निभाया है। राम बनना अत्यंत कठिन है, जज करना उनको आसान। दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है अमी गनात्रा जी के साथ रामायण के ऊपर। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है, और वो ये कि अमी जी के साथ ये पॉडकास्ट भी उसी दिन रिकॉर्ड हुआ था जिस दिन हम लोगों ने महाभारत वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, यानी कि 7 फरवरी 2024 के दिन। और इसी वजह से ये पॉडकास्ट भी पुराने कैमरा और पुराने लेंस की मदद से ही रिकॉर्ड किया गया था। इस वजह से वीडियो की जो फुटेज है वो महाभारत वाले पॉडकास्ट जैसी ही, मतलब कि थोड़ी सी डाउन, और ऑडियो में भी गड़बड़ है। ऑडियो में गड़बड़ इस वजह से है क्योंकि अमित जी के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि जिस वक्त ये रामायण वाला पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किया, मैं वो रिकॉर्डर का रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया। इस वजह से इस पॉडकास्ट का जो साउंड है वो कैमरे का जो इंटरनल माइक है उसकी मदद से रिकॉर्ड हुआ, और बहुत ही नॉइजी साउंड रिकॉर्ड हुआ था। अब एआई की मदद से मैंने इस ऑडियो को रिकवर तो किया है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लगभग 80% क्वालिटी को हम लोग रिकवर करने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी ऑडियो की क्वालिटी वो टॉप नॉच वाली नहीं है। सो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट की ऑडियो और इसकी वीडियो फुटेज को देख के जज मत करिएगा। अब हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं और अब हम लोग बेहतर इक्विपमेंट की मदद से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आगे के सारे पॉडकास्ट भी अच्छी क्वालिटी के ही आने वाले हैं, बस इसमें गड़बड़ है। सच कहूँ तो पब्लिश करने को लेकर मेरे मन में कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन आप लोग जब ये पॉडकास्ट देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पॉडकास्ट मैंने लिटरली पूरी श्रद्धा से रिकॉर्ड किया। और इस पॉडकास्ट में अम्मी जी के साथ में जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो एक बहुत वैल्यूएबल कन्वर्सेशन हुआ है। इस वजह से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी टॉप नॉच ना होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट पब्लिश कर रहा हूँ। अब आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रामायण को लेके अमित जी की जो बुक है रामायण अनरेवल, अब उसका हिंदी वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, अगर आप लोग परचेस करना चाहें तो लिंक की मदद से आप परचेस कर सकते हैं। नाउ अब हेडफोन लगाइए और पॉडकास्ट को अच्छे से एंजॉय करें। मैं ये कहूंगी कि अधिकतर जो रामायण हम पढ़ते हैं वो वाल्मीकि रामायण ना होकर उसके पुनर्कथन होते हैं। जैसे अधिकतर अगर आप नॉर्थ में देखें तो हमने रामचरितमानस, तो मेरे ख्याल से घर घर पे पाठ होते हैं, बच्चे बच्चे तक उनको मौखिक होता है ना रामचरितमानस, तो रामचरितमानस पढ़ते हैं। साउथ में कंब रामायण है, तमिलनाडु में, मलयालम जो केरला है उनका स्वयं का है, केरला में एक महीना होता है जब तो केवल रामायण पाठ चलता है घरों घरों में। वैसे ही आंध्र का कुछ है, कृतिवास ओझा जी का रामायण है बंगाल में जो मशहूर है। तो इस प्रकार से रामायण के बहुत सारे वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे पुनर्कथन हैं जो लोगों के बीच अधिक प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण नहीं है, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि रामायण नहीं पता, पर हाँ वाल्मीकि रामायण कदाचित कम पता है, क्योंकि अधिकतर हम जो टीवी में भी देखते हैं तो वो रामचरितमानस से या और किसी उसकी रीजनल पुनर्कथन से ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये जो इतने सारे वर्जन हम लोगों को देखने को मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये श्रद्धा के भाव से लिखे गए, खुद को रिलेट करने के भाव से लिखे, आपको क्या लगता है क्यों? देखिए श्री राम की जो कथा है वो हम सबको क्यों इतनी छू जाती है, क्योंकि वो हमारी कथा है। हम श्री राम को भगवान कहते हैं, पर जो ना भी मानते हो भगवान, वो जो कहते हो कि वो राजा है, तो भी वो राजा के पुत्र हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, उनको अत्यंत मान मिलता था, उनमें जो गुण एक पुत्र में एक राजा में आवश्यक हो वो सारे थे। इस सब के बावजूद उनके जीवन में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा है ना। हम अगर उन्हें भगवान मानते हैं तब तो और भी, मतलब भगवान के रूप लेकर भी जो अवतरित हुए हैं,
या मनुष्य अवतार में जो भगवान भी अवतरित हुए हैं, तो उनके जीवन में भी संघर्ष है। और कैसा संघर्ष, कि वो राजा है और मतलब राजा के पद पर उनका राज्याभिषेक होने ही वाला है, युवराज पद पर जब राज्याभिषेक होने ही वाला है, उस समय ऐसे मुंह में आया हुआ निवाला उनसे छिन गया और 14 वर्ष वनवास पे जाना पड़ा। अब 14 वर्ष वनवास में भी क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। सबसे पहले तो कितने सारे राक्षसों का उन्होंने हनन करा, क्योंकि वहाँ के जो ऋषि थे, वन में जो ऋषि थे उनकी रक्षा के लिए। फिर सीता माँ का अपहरण होता है, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनकी सेना थी ना कुछ था, फिर भी किष्किंधा जाकर वानरों से मिलकर उनसे उन्होंने संधि कर लंका गए। लंका भी कैसे पहुंचे, लंका 100 योजन दूर समुद्र के अंदर था, तो वहां पर किस प्रमाण से उन्होंने सेतु बांधा, लंका गए और महाबली राक्षस रावण की सेना को हरा कर फिर सीता माँ को छुड़ा कर लाए। अच्छा, उसके बाद भी कोई जीवन बहुत शांति से गुजरा ऐसा तो है नहीं, है ना। उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो चल ही रहे, जैसे हम सबके जीवन में होते, है ना। तो अगर भगवान के भी, एक राजा के भी जीवन में ऐसे संघर्ष है, तो हम उनके जीवन से रिलेट कर पाते हैं। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने इतना सब होकर भी अपने धर्म को, अपने गुणों को, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आई, उनके जीवन में भी बहुत धर्म संकट है, तो उन धर्म संकटों में उन्होंने किस प्रकार अपना सही धर्म क्या है वो चुना उस समय, और फिर जो भी चुना, ऐसा तो नहीं है कि उसका उनको कुछ रिपरकशन या कुछ उसका जो भी परिणाम वो भुगतना नहीं पड़ा, उनको वो भी भुगतना पड़ा और वो भी उन्होंने भुगता, पर अपना धर्म, अपना स्वधर्म, अपना राजधर्म कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो इसलिए वो हम सबके लिए एक धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक हो गए, जो हमारे जैसे थे, हमारा जीवन जिया, संघर्षपूर्ण जीवन जिया। तो ऐसे मनुष्य की कथा, ऐसे व्यक्तित्व की कथा तो हम सबको अपील करेगी ही करेगी, है ना। अच्छा, और दूसरी क्या बात है, उनको अयोध्या का राजा कहा गया है। अयोध्या के लिए कहा जाता है कि मनुना निर्मिता ये ना, कि मनु द्वारा निर्मित या नगरी, कि या ये जो नगरी है मनु द्वारा निर्मित है और वहाँ इक्ष्वाकु वंश के राजा है। तो जो पूरे जिस राज परिवार से जो आते हैं वो ही बहुत ही प्रसिद्ध और लोगों में, लोगों को बहुत मान, जिन लोगों ने जिसका बहुत मान किया है, ऐसे परिवार से वो आते हैं, है ना। तो और फिर अयोध्या नॉर्थ में है, वहां से साउथ की ओर जाते हैं, वहां पे कितने सारे अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, जैसे वानरों का वनवास में, उन सबसे मिलते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, शबरी की कथा है, चित्रकूट में जो ऋषियों से मिलता है उसकी कथा है, तो ये सारे जटायु की कथा है। कैसे हर मोड़ पर किस प्रकार वो साधारण लोगों से मिले, कैसे उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी, उनका प्रेम था, ये सब हमने देखा, है ना। तो इसलिए भारत भर के जो लोग हैं वो भी उनसे जुड़ते गए, उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनकी कथा, उनके जीवन में उनके स्वयं की कथा दिखाई देने लगी, है ना। तो इस प्रकार राम को सबने अपना बना लिया। अब जब अपना बनाया तो कथा तो संस्कृत में है, लोगों तक वो कैसे पहुंचे, तो शुरुआत में कवियों ने अपने अनुसार उनकी जो रीजनल भाषाएं थी उसमें पुनर्कथन कहना शुरू किया, और अधिकतर ये जो सारे वर्जन हुए हैं वो अत्यंत भक्तिभाव से हुए। अब होता क्या है कि जब वाल्मीकि जी लिख रहे थे तो वाल्मीकि जी अपने राजा राम के लिए लिख रहे थे, जिनमें विष्णु अवतार तो प्रमाणित हुआ ही हुआ है वाल्मीकि रामायण में भी, परंतु फिर भी वो राजा है। उसके बाद क्या हुआ, जब भक्ति भाव से लिखे जाने लगे तब वो श्रीराम को एक भगवान के रूप में देखने लगे और अपने समय अनुसार, अपनी मर्यादा अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ कहानियां ऐड भी होती गई, है ना। इसलिए आपको वेरिएशंस दिखते हैं, परंतु अधिकतर तब तो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से ही लिखा गया। अच्छा, और एक बात, ये जितने पुनर्कथन हुए हैं उस समय, जब लोग कहते हैं कि जरा 300 रामायण वगैरह, तो एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि उन सारे कवियों ने वाल्मीकि जी को श्रेय दिया है। वो सभी मानते हैं कि आदि कवि जो है वो तो वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स वही। एब्सोल्युटली, समकालीन श्रीराम के कौन थे, वो तो वाल्मीकि जी थे, है ना। तो सब लोग मानते हैं कि पहला तो वहीं से आया है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आज क्या हो गया है कि आज के दिन में, पिछले मेरे ख्याल से 100 वर्षों में, जब लोग रामायण पर लिखने लगे तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धा भाव चला गया था, क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी, कॉलोनाइजेशन, आप जो भी कहो, तो मानसिक तौर पर हम अपने जो मूल्य है उससे ही अलग हो गए। उससे विमुख होने के कारण क्या हुआ कि जिस लेंस से
बाहर वाले हमको देखते थे, हम भी उसी लेंस से अपने को देखने लगे। इसलिए रामायण की कथा में हम आर्यन द्रविड़ियन ढूंढने लगे, रामायण की कथा में हम स्त्री द्वेष ढूंढने लगे, रामायण की कथा में हम जातिवाद ढूंढने लगे और अपने प्रमाण से उन कथाओं को हमने ट्विस्ट कर दिया। तो आज के जो ऑथर्स हैं वो, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, परंतु ऐसे एजेंडा वाले भी ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने रामायण को अपने अपने एजेंडा को सूट करने के लिए पुनर्कथन उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या उनको मैं मान्य रखूंगी? नहीं, उनको तो चैलेंज करना ही चाहिए। और जब नैरेटिव की बात आती है, जब सत्य की बात आती है, तब हमारा प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक सोर्स तो वाल्मीकि रामायण ही होगा। कुछ समय पहले यहाँ पे रमी जी आए हुए थे गेस्ट के तौर पे, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में भी हम लोगों ने उन्हीं ब्रिटिशर्स के चश्मे से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन को देखना कंटिन्यू रखा। सो सेम चीज हमारे अभी आपने जो कुछ भी डिस्कस किया इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सो वो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो रामायण की पूरी कथा है, रामायण की इस कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? रामायण की कथा की शुरुआत होती है बाल कांड, जो सबसे पहला कांड है, उसमें ये होता है कि वाल्मीकि जी नदी के किनारे बैठे हैं और अपने आश्रम में है, नदी के किनारे जो उनका आश्रम है वहाँ पर है, और नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं और वाल्मीकि जी उनसे एक प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि आज के दिन, मतलब उनके समकालीन ऐसे कौन से राजा है, और वो 16 गुणों का वर्णन करते हैं कि जो कृतज्ञ है, धर्मज्ञ है, सत्यवाक्य है, वीर है, पराक्रमी है, दिखने में बहुत सुंदर है, लोगों के हित में हमेशा व्यस्त रहते हैं, विद्वान है बहुत, ये ऐसे कौन से ऐसे राजा हैं जो आज जिनमें ये सारे के सारे गुण हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसमें ये सारे गुण जो आप कह रहे हो, ये सब में सभी एक ही मनुष्य में मिले, ये तो कठिन है, परंतु है जरूर। वो है इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं, आज अयोध्या के जो राजा हैं, राजा राम, उनमें ये सारे गुण मिलते हैं। ये नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया, पर वाल्मीकि जी तो पहले ही श्री राम से मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब प्रसंग हुआ है, ये तो जब राजा राम, श्री राम राजा हो चुके हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन, हाँ, कि ये जो वाल्मीकि जी, मतलब आज हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ वाल्मीकि जी का ओरिजिन क्या है? वाल्मीकि जी का ओरिजिन जो वाल्मीकि रामायण में आता है वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर जो कुछ कुछ पुराण में आता है वो मैं आपको बताती हूँ। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में जब सीता माँ को फिर से बुलाया जाता है श्री राम की सभा में, उस समय पहले वाल्मीकि जी होते हैं, जाते हैं, और क्योंकि वो लवकुश उत्तरकांड, यानी कि उस वक्त की बात हो रही है जब सीता माँ वनवास जा चुकी थी, सिंगल लवकुश का जन्म हो गया है और लवकुश वापस आ गए हैं, रामायण की कथा सुना रहे हैं, ठीक है, ये तब की सब बात है। तो जब कथा सुनाते हैं फिर सबको अयोध्या में पता चल जाता है कि ये जो दोनों लव और कुश है, ये सीता माँ के ही बेटे हैं, श्री राम के बच्चे हैं, वैसे भी वो दिखने में तो उनके जैसे ही होते हैं और वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। तो जब सबको पता चल जाता है और श्री राम को भी तो पता हो ही गया है, उस समय फिर वाल्मीकि जी भी आते हैं और सीता माँ को बुलाने की बात हुई है, तो उस समय वाल्मीकि जी स्वयं अपना परिचय देते हैं। ये पहला वाक्य है वाल्मीकि जी का अपना परिचय देने का। उसके अलावा जो अरण्य कांड है उसमें वाल्मीकि जी का नाम आया है, क्योंकि वो मिले हैं अयोध्या कांड में, जब वो लोग वनवास के लिए जा रहे हैं तो चित्रकूट जाने से पहले वो वाल्मीकि आश्रम में पहले भी जा चुके हैं, इसलिए वाल्मीकि जी श्रीराम से परिचित है, अयोध्या से परिचित है, ठीक है, ये सब तो है ही है। पर जो परिचय वो कह रहे हैं कि मैं कौन, तो वो कहते हैं प्रचेतसः दशमो पुत्रो अस्मि अहम्, कि मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ, मतलब प्रचेता नामक जो ऋषि है उसका दसवां पुत्र हूँ, पुत्र हूँ, उनको 10 बच्चे, उसमें जो दसवां बच्चा है वो मैं हूँ, ये वो कह रहे हैं, ठीक है, बस इतनी बात आती है। और वो कहते हैं कि मैं जो सीता के बारे में कह रहा हूँ, और वो कहते हैं कि सीता एक पवित्र है वगैरह वगैरह, ये मैं जो कह रहा हूँ एकदम सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत वर्षों की तपस्या करी है जिससे मैंने बहुत पुण्य अर्जित किया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा वो सारा पुण्य नष्ट हो जाए, पर मैं ये एकदम सही कह रहा हूँ कि सीता में कोई भी दोष नहीं है, ये वो कह रहे हैं।
तो इस समय उन्होंने अपना परिचय दिया है, बस इतना ही है वाल्मीकि रामायण में। फिर हम देखते हैं स्कंद पुराण में और फिर आध्यात्म रामायण, ऐसे अलग अलग ग्रंथ है जहाँ और परिचय मिलता है। तो उनकी जो एक बहुत ही जानी मानी कथा है ना कि वो व्याध होते हैं और फिर कुछ ऋषियों से मिलते हैं, तो ऋषियों से मिलते हैं तो फिर वो मरा मरा चैंट करने उनको बोलते हैं, फिर वो मरा मरा राम 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 हो जाता है और उसके बाद वो वाल्मीकि कहलाते हैं, क्योंकि उनके शरीर भी वाल्मीक, वो जो तपस्या कर रहे थे वाल्मीकि होता है कि वो जो चीटियां होती है ना वो जो अपना घर बनाते हैं वो लाल रंग के पर्वत का मिट्टी का, वो उनके पूरे शरीर पे जम जाता है जिसको संस्कृत में वाल्मीक कहते हैं। तो क्योंकि वो वाल्मीक से जम गए थे तो इसलिए उनका नाम वाल्मीकि रख पड़ा। फिर और फिर उनके बाद ध्यान में मगन हो गए थे कि उनको पता, हाँ उनके ऊपर ही वो वाल्मीक तैयार हो गया और वाल्मीकि उनका नाम पड़ा और फिर आगे जाके उन्होंने रामायण का ही प्रसंग जो सारा होता है वो हुआ। वो एक कथा है स्कंद पुराण में। दूसरी एक कथा ऐसी आती है कि एक्चुअली इस कथा में भी वो ब्राह्मण अग्निशर्मा नामक ही जब पैदा हुए हैं और ब्राह्मण अग्निशर्मा फिर किसी ना किसी कारण ग्रस्त व्याधों के कार्यों में लग जाते हैं, ऐसा होता है। दूसरे केस में ऐसा है कि पहले तो वो ब्राह्मण जन्मे थे, फिर व्याध जन्मे, उसके बाद ये पूरा प्रसंग आता है ऐसे। तो थोड़ी थोड़ी अलग 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 कहानियां है वाल्मीकि जी के बारे में, ठीक है। पर वाल्मीकि रामायण में जितना मैंने कहा उतनी कथा है कि प्रचेता का मैं दसवा सिर्फ इतना ही परिचय है वाल्मीकि जी का और वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमारे पास वो तो वही है क्योंकि जो समकालीन है वो तो वाल्मीकि जी ही है। तो जो आप पूछ रहे थे आपका प्रश्न, तो फिर क्या होता है कि वाल्मीकि जी तो जानते हैं श्री राम को, परंतु उनकी जो पूरी कथा है, ऑफकोर्स सब जानते हैं कि वहां उन्होंने रावण को मारा, सब वहां से सीता जी को लेकर आए, ये समाचार तो सबके पास है पर डिटेल्स नहीं है, है ना। तो फिर नारद मुनि पूरा डिटेल में उनको डिटेल में रादर ब्रीफ में पूरी राम कथा सुनाते हैं, श्री राम के जन्म से लेके उनके राज्याभिषेक तक, ठीक है। तो ये सुन लिया वाल्मीकि जी ने, फिर ये उनके मन में वो विचार आ रहे हैं, उन्होंने जो कथा सुनी है अपने राजा की, जो पूरी कथा है वो पूरी सुनी है, और वो नदी पर नहाने जाते हैं। तो नदी पर जब नहाने जाते हैं तो पेड़ पर दो पक्षी हैं और एकदम काम मोहित है दोनों पक्षी, क्रीड़ा में है, एक पुरुष है एक स्त्री पक्षी है, और एक व्याध, व्याध मतलब हंटर, शिकारी तब आता है और उसमें से एक को मार देता है। जब एक को मार देता है और वो पक्षी जब मर जाता है तो उसकी जो पक्षिणी है वो बहुत व्याकुल हो जाती है और रोने लगती है। तो बेसिकली वो जो पक्षी का जोड़ा है वो अलग विरह में पड़ गया क्योंकि एक तो गुजर गए। ये देख कर वाल्मीकि जी का मन बहुत ही दुखी हो जाता है, उनको बहुत पीड़ा हो जाती है कि ये व्याध ने क्या किया, और उनके मुंह से दो पंक्तियां निकल आती है कि हे व्याध, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो काम मोहित दो पक्षी हैं उनको तूने बिछड़ा दिया। तो ये अब उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने उस पंक्ति द्वारा ना चाहते हुए भी उस व्याध को श्राप जैसा दे दिया ना कि तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तो उसे उनको इस बात का भी दुख होता है कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया, वो तो अपना काम कर रहा था, वैसे देखा जाए तो भले ही उसने जिस समय वो कार्य किया वो सही नहीं था। और फिर उनको ये भी लगता है कि मैंने मेरे द्वारा ये जो दो पंक्तियां बोली गई है ये तो बहुत चरणबद्ध है, इसको तो मतलब वो चार भाग में डिवाइड हो सकता है और 32 मात्राओं का है जिसे हम अनुष्टुप छंद कहते हैं, तो वो छंद रूप में आया है। तो उनके मन में आ रहा है कि ऐसा छंद मेरे से कैसे बन गया। वो यही बात अपने शिष्य को बताते हैं और शिष्य कहता है हाँ ये है तो एकदम छंदबद्ध, ये तो छंदबद्ध है और यही उनके दिमाग में चल रहा है। फिर वो जब ध्यानस्थ होते हैं अपने स्नान के पश्चात तो हमें ऐसे कहा गया कि उनको ब्रह्मा जी का इंस्पिरेशन होता है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ तुम्हारे द्वारा जो बोला गया है वो छंद ही है और क्योंकि तुम शोक अवस्था में थे और इसलिए तुमसे ये बोला गया, इसलिए इसको श्लोक कहा जाएगा और ये अनुष्टुप छंद में है। और वो कहते हैं इसी छंद में मैं चाहता हूं कि जो कथा तुमने श्री राम की अभी सुनी है तुम्हारे राजा श्री राम की नारद जी से, उसे तुम कंपोज करो, उसकी तुम पूर्ण रचना करो आगे वाली जनरेशन के लिए। और वो कहते हैं कि ये जो घटित हुई है उनके जीवन की ये जो कथा वो तुमको पाणव अम्लकम, पाणव अपने हाथ पे जैसे फल रखा हो, कोई भी आंवला रखा हो, फल कोई रखा हो तो कैसे आपको दिखता है ना प्रत्यक्ष, वो कहते हैं तुम्हारे ध्यान में जब आप तुम बैठोगे वो कथा तुम्हें तुम्हारे सामने जैसे चल रही है वो सब दिखेगा और तुम्हारा कोई भी शब्द जो है वो कभी गलत नहीं होगा, वो सत्य ही रहेगा। तुम जो लिखोगे, जो हो चुका है वो तो तुम्हें दिखेगा, जो होने वाला है वो भी तुम्हें दिखेगा, ये वो कहते हैं। और फिर
वाल्मीकि जी जो है वो रामायण लिखते हैं, कंपोज करता है रामायण पूरा, उनके लिए फिर वो ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरिताश्च वहीं तले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। और ये बात कितनी सही है, वो कहते हैं जब तक इस धरती पर पर्वत रहेंगे, जब तक इस धरती पर नदियां बहेंगी, तब तक श्री राम की ये कथा जो तुम्हारे द्वारा रची गई है वो इस लोक में प्रचलित रहेगी। और आप सोचिए इतने वर्षों बाद भी हम श्री राम की बात कर रहे हैं, अभी हमने प्राण प्रतिष्ठा दिखा है ना, श्राम राम राम लल्ला आ गए तो आज भी वो बात हो रही है। अच्छा, यहाँ इसी से मेरा एक सवाल ये है कि राजा राम से पहले भी इस धरती पे राजा थे, राजा राम के बाद में भी इस धरती पे राजा हुए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, मतलब बहुत लोग बोलते हैं हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए, डेफिनेटली हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व करने के साथ साथ हमारे उन पूर्वजों के ऊपर भी गर्व करना चाहिए जो इन कथाओं को, हमारे इतिहास को हमारे लिए बचा के लेके आए, क्योंकि हजारों साल की गुलामी, और गुलामी भी जैसे मैंने पढ़ा है कि जो मुगल शासन भारत के अंदर हुआ पूरी दुनिया में, उससे ज़्यादा खून से रक्त रंजित शासन कहीं पे भी नहीं हुआ जी, है ना। अच्छी खासी तादाद में लोगों को मारा गया, यहाँ से हिंदू सभ्यता को पूरे देश से खत्म करने की कोशिश की गई, ऐसी परिस्थितियों में भी हजारों साल टॉर्चर सहने के बावजूद भी इस इतिहास को बचा के लेके आना, इसके लिए हम लोगों को दिल से हमारे पूर्वजों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। ये आप एकदम सही कह रहे हो, इसलिए हम हमेशा कहते हैं वंदे ऋषि परंपरा। उन ऋषियों द्वारा, उन कथाकारों द्वारा, उन कवियों द्वारा, जिसमें ऋषि के साथ साथ हमारे जो बहुत सारे कवि हैं जैसे कालिदास भास है ना, इन्होंने भी इन रचनाओं पर महाभारत रामायण में बहुत लिखा है, थोड़ा सा फिक्शन में लिखा है पर लिखा है, जिसके कारण ये कथाएं लोगों तक पहुंची है। और इसलिए जब हम वर्जन्स की बात कर रहे थे तभी भी मैंने कहा कि आज इतनी जो प्रचलित है कथा, वहाँ कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी, कंब जी, ये जो सारे कवि रहे हैं जिन्होंने श्रद्धापूर्वक श्री राम की कथा वहाँ के लोगों को समझ में आए उस भाषा में लिखा है और राम नाम को जागृत रखा है, तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए हमको धन्यवाद मानना ही चाहिए, और यही बात महाभारत और उस सब की भी है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि राजा राम राजा हुए, उनके पहले भी राजा हुए होंगे, उनके बाद भी राजा होंगे, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हर कीमत चुकाई और राम की स्टोरी को बचाया, बाकी किसी भी राजा की स्टोरी को नहीं। वो तो ये ऐसा नहीं है, तो अगर आप रामायण ही देखो तो उसमें श्री राम के जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी उनका केवल उल्लेख नहीं है, तो जो मुख्य मुख्य राजा थे उनके बारे में भी लिखा गया है। अच्छा। इनफैक्ट जब लवकुश बालकांड में जब इवेंचुअली रामायण कथा का कथन शुरू होता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रचना की, फिर उन्होंने अपने जो शिष्य हैं लवकुश उनको सिखाई, फिर उनको पता चला कि अयोध्या में यज्ञ होने वाला है श्री राम का, वहां वो लोग गए और वहां रस्तों पर गा गा कर लवकुश जो है वो श्री राम की कथा सुनाते, जो एक बार श्री राम ने स्वयं सुनी और उनको कहा तुम मेरे महल में आके आओ। फिर वहां से शुरू होता है रामायण का गान, जो रामायण का गान शुरू होता है उसमें जब सबसे पहले लवकुश बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या नाम की इस नगरी में इक्ष्वाकु वंश का जो राज है, जिसमें राजा सगर हो चुके, वो राजा सगर का उल्लेख करते हैं पहले, जो श्री राम के बहुत वर्षों पुराने वंशज पूर्वज रहे हैं, और फिर कहते हैं और ये जो हम कहने वाले हैं वो उस वंश की कथा है। ठीक है, फिर जब आगे चल के बीच बीच में भगीरथ की कथा आती है, सगर की कथा आती है, त्रिशंकु की कथा आती है, तो ऐसे उनके जो राजा थे दशरथ जी की तो है ही ऑफकोर्स इसमें आती है, तो उन सबके भी जो मुख्य मुख्य एक्ट्स है ना उसके बारे में भी वर्णन किया गया है, परंतु श्रीराम सर्वश्रेष्ठ या सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने करा जीवन में, ऐसा किसी और के साथ हुआ नहीं है कि उनको वन राज्य से निष्कासित हो जाना पड़ा, और वो सभी बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। ठीक है, इवन दशरथ के लिए कहा जाता है कि वो राजऋषि थे, तो ये सब तो है ही, परंतु जो संघर्ष श्री राम ने देखा, जो उतार चढ़ाव देखा और अपने धर्म संकटों से जूझते हुए धर्म को संजोए रखा, वो तो उन्हीं की कथा है, इसलिए वो मेन प्रोटेगोनिस्ट उसमें हो जाते हैं। और फिर हम जो विष्णु अवतार की बात करते हैं वो भी श्री राम में करते हैं, है ना, तो इसलिए वो कथा और मुख्य हो जाती है, क्योंकि जो उन्होंने अचीव किया रावण का विध्वंस वो भी बहुत बड़ी बात थी, जो उनके पूर्वजों ने शायद कभी डील ही नहीं किया था, क्योंकि उस समय रावण वॉज
वो क्या कहते हैं कि क्रूएल्टी की चरम सीमा पे था, उसका नाश करना अत्यंत आवश्यक था इस भूमंडल के लिए, समाज के लिए, जो कोई कर नहीं पाया था. इनफैक्ट उनकी एक क्या उनका नाम है, मंदाता नहीं, एक उनके दूसरे पूर्वज राजा रहे, उनके याद मुझे नाम नहीं आ रहा अभी, नाभाग ऐसे कुछ वो राजा है, उनका भी युद्ध हुआ था रावण के साथ और वो हार गए थे, ऐसा कहा जाता है. तो राम जी एक्चुअली में सेकंड वंश है जो रावण से, रावण से युद्ध करते हैं. ओके, जब दशरथ जी पहली बार उनको कहते हैं विश्वामित्र की भाई सुबाहु और मारीच जो है वो मेरा यज्ञ में विध्वंस डाल रहे हैं, इसलिए तुम अपने बेटे राम को भेजो, तो रावण और तो पहले तो दशरथ कहते हैं ये तो बहुत छोटा है, कैसे मैं भेजूंगा इसे, इसे कैसे लड़ पाएगा, मैं चलता हूँ आपके साथ, मेरी सेना के साथ में लड़ूंगा. फिर वो पूछते हैं कौन है सुबाहु, पूछते हैं कौन है सुबाहु और मरीच, और विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये तो रावण के राक्षस हैं, रावण के पिट्ठे हैं जो परेशान करते हैं सबको. रावण का नाम सुन के दशरथ कहते हैं अरे रे, अगर ये उसके हैं तो मैं भी दोनों से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं भी किसी एक से ही लड़ूंगा, मेरा बेटा कहाँ से लड़ेगा. तो उतना डर रावण का है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने जो अचीव भी किया, उनका उन्होंने जो हासिल किया वो भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जिसे कहते हैं ना. और हम लोग हिस्ट्री में याद किसे करते हैं, सबके जीवन में सब कुछ होता है, बट याद तो वही करते हैं ना जो अत्यंत मुख्य है, जिससे हमारे जीवन में हम सीख ले सके. इतिहास का उद्देश्य क्या है? इतिहास एक तो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव जो आज हम हिस्ट्री का देखते हैं. इतिहास का मुख्य उद्देश्य हमारी परंपरा अनुसार ये है कि हमारे पूर्वजों के जीवन से हमें हमारे जीवन जीने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीख मिले. ये इतिहास है, और इसीलिए वो कथाएं जिनके जीवन से हम अधिक सीख पाए वो ज्यादा मायने रखती है और महत्वपूर्ण हो जाती है. मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान राम एक राजा थे, उनके पास सब कुछ था, है ना, और राजा होते हुए भी उन्होंने एक आम आदमी के जीवन जीते हुए बिना किसी संसाधन के साथ में वो अचीव किया जो एक राजा को अचीव कर लेना चाहिए. इस वजह से मुझे लगता है कि वैल्यू भी है और लोग उनसे रिलेट भी करते, रिलेट कर पाते हैं. प्लस उनके गुण भी ऐसे हैं, उन्हें केवल बौद्धिक क्षमता ऐसा नहीं है, उनकी शारीरिक क्षमता भी बहुत अधिक है, सामर्थ्यशाली है अत्यंत. इसलिए जब वो जब युद्ध कौशल की बात आती है तो उसमें भी, इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि रामो शस्त्रवृतामहम, कि जो शस्त्र लेके जो योद्धा है उसमें सर्वश्रेष्ठ राम है और मैं ही वो राम हूँ, ये वो कहते हैं. और वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बहुत सारे, तो उस एग्जाम्पल्स में वो कहते हैं कि जो योद्धा है, शस्त्र लेके जो योद्धा है उनमें मैं श्री राम हूँ, तो उत्कृष्ट योद्धाओं में उत्कृष्ट वो श्री राम है. अमित जी, भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे और अयोध्या में ही ये सब कुछ हुआ, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हमारी रामायण है इसमें अयोध्या को कैसे डिस्क्राइब किया गया है. मतलब कि अयोध्या सिर्फ एक राजधानी था या फिर एक व्यापारिक केंद्र था, और अयोध्या के अलावा उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में और कौन से महत्वपूर्ण शहर डिस्क्राइब किए गए? तो अयोध्या जो है वो राजधानी है, नगर है, कोसल देश जो कहा गया है उसकी राजधानी है, पर वो राजधानी अत्यंत विशाल है. जो हमको उसका जो साइज, जो क्षेत्रफल बताया गया है वो है 12 योजन बटा 3 योजन, तो वो बहुत ही, एक योजन इज अराउंड 13 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर, 8 से 9 माइल, इतना एक योजन होता है. तो आप वो मैथ्स कर लीजिए, उतनी ही बड़ी अयोध्या है और अत्यंत समृद्ध नगर है. साथ साथ बहुत और भी छोटे छोटे वहाँ पे नगर हैं, गाँव हैं, वो सब तो हैं ही, पर ये बहुत ही विशाल नगर है जो कैपिटल सिटी है, महानगर है, महानगर है. वहाँ पे बहुत सुंदर रस्ते हैं, पथ हैं, बहुत सारे बाजारे हैं, बहुत उद्यान हैं, बगीचे हैं, तो ये सब तो है ही. जो घर है वो बहुत पास पास है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, तो भूमि के प्रत्येक भाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है. वहाँ कहते हैं कि वहाँ का जो पानी है वो ऐसे गन्ने के साथ समान मधुर है, इक्ष्वाकु कांड रस, कि वहाँ का जो पानी है वो इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु नहीं, इक्ष्वु कांड, इक्ष्वु मतलब गन्ना, तो गन्ने का रस जैसा वहाँ का जो पानी है वो मीठा है. बहुत धन धान्य से परिपूर्ण वहाँ के खेतर हैं, ये सब बताया गया है. और लोग जो है तो लोग ही कैसे, वो कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे दरिद्र नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अच्छे सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण ना पहने हो, जिसने
सुगंधित लेप ना लगाओ, ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी अदाता नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो दान नहीं करता। सारे बड़े बड़े हृदय वाले हैं, दान करने वाले लोग हैं और अपने कामों में अपने काम से काम रखते हैं, परस्पर हिंसा नहीं करते। तो ऐसी अयोध्या है जो अयोध्या के लोग हैं। पर साथ साथ वो कहते हैं कि देश विदेश से जो व्यापारी है, जो वाणिज्य वणिक गण है, वो भी वहां है। अब वो क्यों आए होंगे सोचो, वहां की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी ना कि जहाँ सबको लगता होगा कि यहाँ आए तो यहाँ से बिजनेस हो पाएगा, ट्रेड हो पाएगा। तो बहुत सारे जो वाणिज्य में जो काम करते हैं वो सारे लोग वहां पे हैं। अयोध्या जो है या कौशल देश जो है वो चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का अर्थ ये होता है कि आपके आसपास के जो भी छोटे राज्य हैं वो आपको कर देंगे और कर के बदले में आप उनकी रक्षा करेंगे ऐसे। तो जो वो सामंत देश जिनको कहा जाता है कि वहां का जो राजा है वो उनकी सामंत है, फ्यूडेटरी लॉज जिनको कहा जाता है, तो ऐसे थे। और वो भी बहुत सारे लोग हमेशा अयोध्या आते रहते थे अपना कर देने, सम्मान देने वगैरह वगैरह। साथ ही बहुत सारे जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, नृत्य हैं, संगीतकार हैं, वो सारे लोग, कथाकार हैं, वो सारे भी यहाँ पर हैं। अब कला को कब आपको बूस्ट कब मिलेगा, जब लोगों के पास पैसा है, वापस वही बात। तो ये बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है अयोध्या। और अयोध्या जैसे मैं कह रही थी कि इसकी इस नगरी की स्थापना कहा जाता है स्वयं मनु ने की है, जिनसे सारे मानव आए हैं जो कहा जाता है वो मनु। अच्छा, उन्होंने ही इसकी स्थापना करी। हाँ, उनके द्वारा अयोध्या नगरी की स्थापना हुई है। और फिर उनके पुत्र जो इक्ष्वाकु है उससे वो आगे बढ़ती है। और इक्ष्वाकु का जो वंश है उसे सूर्य वंश फिर कहा जाता है, जो श्री राम केस में जाते हैं, जिसमें बहुत सारे राजा आते हैं। फिर अब बात करते हैं थोड़ा सा रामायण के टाइमिंग के बारे में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लोगों के माइंड को नहीं, मेरे माइंड में भी सवाल है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ ये किस टाइमिंग पे हुआ। सो इसे पता करने के लिए बहुत सी बातें, उसमें कोई ईयर तो लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन रामायण के अंदर किस तरीके के रेफरेंस दिए गए हैं जिनकी मदद से हम लोग कोशिश कर सकते हैं पता करने। तो रामायण को लेके, रामायण और महाभारत दोनों की ही डेटिंग को लेके बहुत सारे प्रयत्न करे जा रहे हैं। एक तो है कि आर्कियोलॉजिकल इसके का इससे वो देखते हैं वगैरह। दूसरा है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं महाभारत रामायण दोनों में, क्योंकि वो कहेंगे कि अच्छा जब राज्याभिषेक होना था तब पुष्य नक्षत्र था, दशरथ का जो ग्रह था वो राहुग्रस्त था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को जब आप प्लॉट करते हो तो भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप प्लॉट करो ना तो वो कहेंगे कि अच्छा ऐसा 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 सीक्वेंस में इस फलाने ढिकाने वर्ष में हुआ होगा। अब इसमें ऐसा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि 100% सारे ऑब्जर्वेशंस आपके फिट होंगे, ठीक है। तो फिर आप कौन से लेते हो और कौन से बाहर रखते हो, उस अनुसार बहुत सारा जो डेट्स है उसमें फर्क आ जाता है। और इसलिए आप देखोगे कि कोई कहेगा कि अरे 2000 वर्ष पुराना है, कोई कहेगा कि 5000 है, कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो 9000 वर्ष पुराना है। तो उस पर कार्य चल रहा है। कोई मेरे पास कोई नंबर के लिए मैं कह सकती हूँ नहीं नहीं यही नंबर है, नहीं मैं ये मेरा एक्सपर्टीज भी नहीं है तो मैं ये कह नहीं सकती। परंतु मैं ये कह सकती हूँ कि एक दूसरा विवाद आजकल खड़ा कर दिया गया कि रामायण जो है वो तो महाभारत के बाद आया। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि रामायण की जो कथा है वो तो बुद्ध की कथा के बाद भी आई, क्योंकि बुद्धों में या बौद्धिज्म में ऑफकोर्स वो तो हम तो उन्हें अपना ही मानते हैं। इनफैक्ट आपको शायद पता ना हो, बुद्ध के जो पिताजी हैं उनका जो वंश है वो भी अपने आप को सूर्यवंशी कहलाता है, कहता है। अच्छा, बुद्ध का जन्म भी श्रीराम के ही वंश में हुआ है ऐसा मानते हैं, ठीक है। उनका परिवार भी अपने आपको सूर्यवंशी ऐसे कहता है। एनीवेज, तो मतलब वो तो श्रीराम ऑब्वियसली पहले आएंगे तभी वो सूर्यवंश में इनका जन्म होगा ना। पर ये कहते नहीं नहीं दशरथ की जो कथा है वो एक्चुअली बुद्धिस्ट जातक कथा है, उससे आया है, ऐसे वो तो उसके भी वादा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि समाज व्यवस्था भारत का की जो संरचना जिस प्रकार से या इवन जिस प्रकार से युद्ध हुआ है वो आप महाभारत और रामायण के बीच अगर कंपेरिजन करो तो आप क्लियरली दिखेगा कि महाभारत के टाइम तक टेक्नोलॉजी भी बहुत इवॉल्व हो गई, ठीक है। साथ साथ आज जब हम अयोध्या से लंका का जो रास्ता है वो श्रीराम का देखते हैं तो अधिकतर वनों से है। वो सारे वन मतलब पूरे के पूरे नहीं, पर उन सारों में काफी सारी जगह पे अब महाभारत के समय जाते जाते अलग अलग देश हो गए, राज्य हो गए, ठीक है, सिटीज हो गए, सिटीज हो गए, राज्य बन गए। हाँ, और वो हमको दिखता है वो महाभारत में जाते जाते। इसलिए महाभारत में जाते जाते समाज और टेक्नोलॉजी दोनों ही रामायण के टाइम से ज्यादा इवॉल्व है, वो क्लियरली दिखता है। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि महाभारत है वो रामायण के बाद हो।
दूसरा महाभारत, रामायण महाभारत की बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। महाभारत रामायण जब भी महाभारत हुआ है उससे कम से कम 1000-2000 कम से कम वर्ष पूर्व ही रामायण हुआ होगा, कितना ये मैं नहीं जानती। हाँ। कुछ लोग कहते हैं और भी ज्यादा, मुझे नहीं मालूम, पर हुआ है, ठीक है। दूसरा एक ये आता है जो डेटा पॉइंट आप कहो या जो भी कहो, तो जब सीता माँ को ढूंढने के लिए सुग्रीव अपने सेना को भेजता है, तब वो उसको ये उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया, नीलेश जी भी, नीलेश नीलकंठ ओक है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया सुग्रीव एटलस। तो क्योंकि सुग्रीव तभी चारों दिशाओं में अपने सेना को भेजता है और वो बताते हैं कि यहाँ आप जाओगे तो ये दिखेगा, यहाँ जाओगे तो ये दिखेगा, आगे जाओगे तो ये दिखेगा, तो उसमें वो कितने सारे ऐसे प्राणियों के रेफरेंसेस देते हैं, किसी किसी हाथी के रेफरेंस देते हैं, जो अगर आज अगर हम उसका स्टडी करें तो वो कदाचित बहुत सारे वर्ष पूर्व की बात है, जो आज हमें नहीं दिखाई देती, कदाचित पहले है। तो उसके बेसिस पर भी लोग कुछ ना कुछ ये एस्टिमेशन लगाते हैं कि अच्छा ये तबका होगा आपका। पर क्या मैं वो एग्जैक्ट डेट सकती हूँ? नहीं, मैं केवल इतना कहूंगी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से महाभारत डेफिनेटली, रामायण डेफिनेटली महाभारत की बहुत वर्ष पूर्व है, बहुत पूर्व है। और एग्जैक्ट डेटिंग के तो अभी थोड़ा सा मुश्किल, मुझे नहीं लगता है कोई भी एग्जैक्ट डेटिंग दे सकता है। जो भी वो कहेंगे वो उनका मत कहेंगे, उनके अध्ययन अनुसार। क्या किसी स्कॉलर्स का अग्रीमेंट है कि ये डेट है तो नहीं। अच्छा, एक स्टोरी मैंने सुनी है ना, अभी ये स्टोरी कितनी सच है कितनी गलत है तो आप बताएंगे मेरे को। रामायण खत्म होने के बाद की कहानी शायद ये, हनुमान जी को राम भगवान अंगूठी देते हैं और हनुमान जी पाताल लोक में, जब वो अंगूठी पाताल लोक में चली जाती है और वहाँ पर बहुत सारी अंगूठियाँ पड़ी रहती है, और फिर वो कोई हनुमान जी को बताता है कि ये सब कुछ तो बार बार हो चुका है। सो ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इस कथा का उद्देश्य हमें वो जो जन्म मरण का जो तथ्य है उसको सिखाने के लिए है, ऐसा मैं समझती हूँ। कि हम जैसे गीता की बात है ना, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब वो कहते हैं, कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा, है ना। कि हम तो आते, अगर जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। तो यही वो साइकिल है, जो हमारा चक्र है जो चलते रहता है। यही बात समझाने के लिए कि जिससे हमें जीवन से बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ये एक कारण है। तो ये बताने के लिए वो कथा कही गई है। वाल्मीकि रामायण में इस कथा का उल्लेख नहीं, और लोगों ने इसके बहुत मतलब निकाल लिए। कोई बोलता है इतनी बार हो चुकी है, कोई बोलता है इतनी बार हो चुकी है। सो देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि मल्टीवर्स, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों ने लिखी है, तो ये वो, तो वो उनकी बात हो सकती है। हमारे पास जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ वाल्मीकि रामायण है, ये मैं तो मानती हूं उसमें इस तरीके का कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं है। मैं ये मानती हूं कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, अच्छा उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन कथाओं को वेस्ट मानती हूँ, ऐसा नहीं है। उन कथाओं का अपना अपना उद्देश्य है समझाने का, टॉपिक समझाने का, ये वो। पर अगर बात इतिहास में आएगी कि कोई कहेगा कि क्या वाल्मीकि रामायण में ये है, तो मैं कहूंगी कि वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। अब बाकी आपकी श्रद्धा, आपको जो मानना है मानो, ये मैं कहती हूँ। अभी थोड़ी सी बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, रामायण के अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को पिक करते चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी माता सीता से। माता सीता कौन थी, कहाँ से आई थी, और एक ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पुत्री वो किसकी थी, भूमि पुत्री, अग्नि पुत्री, या वाल्मीकि रामायण में क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि राजा जनक जो है, जो मिथिला के नरेश है, वो यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे, तब उनको सीता जी भूमि से मिली। तो सीता और सीत मतलब वो जो ये प्लाव होता है ना, उसका से जो रेखा ड्रॉ करते हैं उसे सीत कहते हैं, क्योंकि उनको भूमि से मिली उसलिए उसका नाम सीता रखा गया। इसलिए उनके पिताजी कौन है ये तो हम जानते नहीं है, कभी पता भी नहीं चलेगा, ना ही वाल्मीकि जी ने ये इस बात को हमको बताने का के लिए योग्य समझा, ठीक है। तो हमको तो इतना ही पता है कि भूमि से, भूमि में माँ सीता जो है वो जनक जी को मिली, यही बात हम जानते हैं। उत्तरकांड अगर आप देखें, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड आप देखें, तो उसमें एक कथा आती है वेदवती की। वेदवती जो है वो एक तपस्विनी है और वो तपस्या कर रही है कि मेरा विवाह जो है वो केवल विष्णु से। उस समय रावण वहां जंगल में भटक रहा है और वो देखता है वेदवती को, जो अत्यंत रूपवती है, बहुत ही सुंदर है, और वो कामना करता है वेदवती की। वेदवती कहती है आप मुझे हाथ भी मत लगाना क्योंकि मैं आपके
मैं आपके लिए नहीं हूँ, मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ भगवान को, और वही होंगे, मैं तुमको नहीं चाहती। बट रावण बीइंग रावण, वो उसके केश खींचता है और उसे जबरदस्ती अपनाने का प्रयत्न करता है, बट वेदवती जो है वो इतनी तपस्वी नहीं है, तो वो अपने आप को छुड़ा लेती है उसे, और वो कहती है कि मैं तो अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी क्योंकि तुमने मुझे अपवित्र कर दिया है, परंतु तुम्हारे मृत्यु का कारण बनकर मैं अवश्य आऊंगी, ये वो कहती है। युद्धकांड में जब रावण युद्ध हार रहा है और बहुत सारे लोग उसे मरे जा रहे हैं, तब उसे ये बात याद आती है, कथा पूरी नहीं है पर वो कहती कहता है कि कहीं सीता वही वेदवती बन के तो नहीं आई, ऐसा वो उल्लेख करता है। ये वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये युद्धकांड में वाल्मीकि जी कहते हैं। वही वेदवती कौन है, उसकी क्या कथा है, वो फिर उत्तरकांड में बताया, ठीक है। तो फिर उत्तरकांड में ये आता है कि फिर वो जो वेदवती है उसने जन्म लिया कहीं तो, और पहले वो रावण को मिली, पर फिर रावण ने उसे त्याग दिया और फिर जनक को वो मिली, ठीक है, माता सीता। पर क्या ऐसा कहीं पर उल्लेख है? पर ये उत्तरकांड की बात है। ये उत्तरकांड कहाँ से है, ये किसने लिखा है? उत्तरकांड जो है इसको लेकर विवाद है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो मानते हैं कि उत्तरकांड जो, अगर आज आप गीता प्रेस का रामायण उठा लो या विवेक देबरॉय जी ने जो बड़ोड़ा क्रिटिकल एडिशन का ट्रांसलेशन किया है वो उठा लो, तो उस सब में उत्तरकांड है। तो ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में सात कांड है, सात बड़े बड़े चैप्टर्स है जिसके अंदर और छोटे छोटे हैं बट सात बड़े हैं। कुछ कुछ लोग मानते हैं सात नहीं है, केवल छह है, क्योंकि युद्ध कांड के पश्चात, युद्ध कांड के अंत में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है, उसके बाद की ये कथा है। उत्तर कांड तो उनका राज्याभिषेक होने के बाद, वो जब राजा बन चुके हैं तब की बात उसमें है उत्तर कांड में। और बहुत सारे जो फिल गैप स्टोरीज है, जैसे वहां पे उल्लेख किया युद्ध कांड में रावण ने उल्लेख किया कि अरे ये कहीं वेदवती तो नहीं है, या हनुमान को देखकर उन्होंने कहा कि अरे ये कहीं नंदी तो नहीं है, ठीक है। तो उस विषय में ज्यादा कुछ बताया नहीं है पहले छह कांडों में, पर उत्तर कांड में वो सारी स्टोरीज भी हमें मिलती है कि वो कौन होंगी, वो जो बैक स्टोरीज है वो मिलती है, और साथ साथ जब वो अयोध्या के राजा हो चुके हैं तब के कुछ कुछ प्रसंग वो बताती है। तो कई लोग ये मानते हैं कि जो उसकी भाषा है, जो कुछ कुछ इंसिडेंट्स उसमें बताए गए हैं, वो संग, वो कहीं से मेल नहीं खाते जो श्री राम का व्यक्तित्व है उससे, और जो भाषा भी है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए उत्तरकांड कदाचित प्रक्षिप्त है या बाद में लिखा गया है और वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। जबकि कुछ जो पारंपरिक थॉट है, जो उस अनुसार बहुत सारे स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने उत्तरकांड पर भी कमेंट्री लिखी है, और जैसे मैंने कहा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, जो क्रिटिकल एडिशन में भी मान्य है, गीता प्रेस में भी है, भले वो लोग भी क्वेश्चन मार्क डालते हैं वहाँ, उसमें उत्तरकांड है, तो कुछ कुछ लोग मानते हैं नहीं ऐसा नहीं है, उत्तरकांड भी जो है वो भाग ही है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा लोग भी मानते हैं। अब इसका क्या सच है, ये तो अगर स्कॉलर्स नहीं इस पर अग्री कर सकते तो मैं कौन होती हूँ, परंतु मैं ये अवश्य कहूंगी कि कई बार, क्योंकि वो जो दो प्रसंग है जिसके कारण लोग कहते हैं कि उत्तरकांड तो मेल नहीं खाता श्री राम के व्यक्तित्व से, मुझे लगता है उन प्रसंगों को भी सही से समझने की आवश्यकता है, इतना ज्यादा डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जो मेरी पुस्तक देखोगे, ये जो रामायण अनरावल, तो उसमें वो जो प्रसंग है, वो सीता जी का परित्याग की जो बात है और शंभूक वध की जो बात है, वो मैंने एपिलॉग करके अंत में दिए हैं कि इसको कैसे समझो, एक तो वो किस प्रकार दिए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, और उनको पढ़ने की क्या दृष्टि हो सकती है। तो ये मैंने उसमें लिखा है, तो मैं चाहूंगी कि आपके जो दर्शक हैं वो अवश्य उसे पढ़े, क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि हमें ठीक नहीं लगता तो भावनाओं में बहकर हमें लगता है नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ना हो पता नहीं, बट अगर हुआ होता तो इसको कैसे समझे, मेरा बस इतना सा छोटा सा दृष्टिकोण है इस बारे में। हाँ, तो आप सीता जी की बात कह रहे थे ना, तो उसमें ऐसा आता है कि फिर रावण ने उसे छोड़ दिया और फिर जनक जी को वो मिल गई। उत्तरकांड में आता है, जो मेन रामायण है उसमें तो केवल इतना है कि जनक जी को वो भूमि से मिली। अब कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सीता जो है वो तो रावण की पुत्री थी। नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं, यही मेरे को समझ भी नहीं आता, लोग कुछ भी लिखने लगे हैं। तो ये है ना कि अलग अलग वेरिएशन है। अब साउथ ईस्ट एशियन कुछ वर्जन है, उसमें तो ऐसा कहा गया है कि एक्चुअली वो दशरथ की पुत्री थी और उन्हें पता नहीं था, तो ऐसी भी बहुत सारी बातें है अलग अलग वर्जन में। और इसीलिए जब लोग ये कहते हैं ना कि सब चलता है, हम लिख रहे हैं, मैं आज श्रीराम और सीता और उनके कैरेक्टर्स को लेकर स्टोरी बना दूं
और कह दूं कि ये रामायण तो वो भी वैलिड होना चाहिए, ये मैं नहीं मानती. मुझे मैं ये मानती हूँ कि आपको कुछ कंसिस्टेंसी और कुछ जो और जो कंसिस्टेंसी जो वाल्मीकि रामायण में है उसके साथ होना आवश्यक है. कुछ इंटरप्रिटेशन आपकी हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव लिबर्टी आप ले सकते हो, पर आप उसको ऊपर से नीचे सर से धड़ ही अलग कर दो और फिर कहो ये भी रामायण है तो ये हम मान्य नहीं रख सकते, नहीं तो फिर कोई कुछ भी बोलेगा, है ना. हम सचेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा क्या सच है. एग्जैक्टली, जिसपे एक्चुअली क्लैरिटी है. कई बार ये होता है कि ऑथर्स भी जो है इसमें वो फिक्शन जो लिखता है उनको ये लगता है कि मेरे कथा को कैसे लेजिटिमेसी मिला है, तो वो कहते हैं हाँ रामायण तो इतनी सारी है सब अपने हिसाब से लिखता है तो मैंने जो कहा वो भी रामायण. नहीं, ये गलत है. मुझे लगता है कि ऑथर्स की डिसऑनेस्टी है, ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहना चाहिए मैं रामायण पे फिक्शन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, एंड दैट्स परफेक्टली ओके. लोग फिर भी पढ़ेंगे, लोग फिर भी आपकी सराहना करेंगे. आप अपने आप को वाल्मीकि जी मत बना कर रखिए. मेरा कहना है कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो एक्चुअल इतिहास है ना, वो ओरिजिनल कॉपी जी. आप कुछ भी लिखो वो एटलीस्ट उस ओरिजिनल कॉपी से मेल तो खाना चाहिए ना, वो उसको आप कैसे झुठला सकते. और अगर नहीं खा रही है तो फिर आप उसे अपनी कथा कहो ना, या फिक्शन कहो. आप कहो कि वो उन्होंने जो भी लिखा मैं कुछ भी लिखूंगी सिर्फ राम सीता दशरथ ये सब नाम से, पर वो भी उतनी वैलिड है और वो भी रामायण है, तो ये तो सही नहीं है. अच्छा, आप और लोग कहते हैं कि हमें कैसे मालूम कि वही सही है, है ना. क्या हम वो पता कर सकते हैं नहीं वही सही है, नहीं, पर वही हमारे पास है. मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई कुछ कर सकता है. सबसे पुराना टेक्स्ट तो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट वही है ना, सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट तो वही है ना. अब अगर उसके पहले का कुछ मिल जाएगा कभी तो देखेंगे. अब तक तो नहीं मिला है, अब तक तो नहीं मिला है. जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम उसी को सच मानेंगे ना. ये मतलब क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी में भी तो यही है ना, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट और न्यू मैन्युस्क्रिप्ट. जब और उसमें भी आपको बहुत अलग अलग जगहों से सेम कथा मिल रही है तो उसका अर्थ कुछ तो सामने होगा ना, कुछ तो कनेक्शन होगा. नॉर्थ में भी सेम कथा मिल रही है, साउथ में भी आपको सेम कथा मिल रही है, तो फिर तो इसी बात. और सौरभ अब ये भी देखिए, वाल्मीकि रामायण या महाभारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो तो बहुत कंसिस्टेंट है हर जगह. जहां पर भी सही भाव से कवियों ने उसे लिखा है उसमें वो ये नहीं कहते कि मैं वाल्मीकि रामायण लिख रहा हूँ, वो कहते हैं मैं रामचरित मानस लिख रहा हूँ. वाल्मीकि रामायण को वो नमन भी करते हैं और अपना नाम कहते हैं कि ऐसे, है ना. उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण है. वो केवल ये कह रहे हैं हम राम जी का चरित लिख रहे हैं, कम रामायण का भी ऐसे ही कुछ नाम है. तो वाल्मीकि रामायण तो एक ही है, उसको कोई हम उसको ये नहीं कह सकते उसके बहुत सारे वर्जन है. नहीं, हाँ जी अमी जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं अयोध्या के संपूर्ण राज परिवार के बारे में. क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारी रामायण है, रामायण के अंदर अयोध्या का जो राज परिवार है उनकी केमिस्ट्री को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. क्योंकि जब भगवान श्री राम को वनवास के लिए कहा गया है ना, उससे पहले केकई और माता केकई और भगवान राम के बीच में संबंध बहुत मधुर संबंध थे, है ना. भगवान राम भी माता केकई को अपनी सगी माँ जितना ही प्रेम देते थे और केकई भी भगवान राम को अपने पुत्र का समान ही मानती थी. मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक मंथरा ने इतनी इजिली इतना फटाफट उस स्ट्रॉन्ग रिलेशन को कैसे वो मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गई और कैसे उसने इफेक्ट कर दिया. तो ये क्या हम लोगों को फ्रैक्चर पहले ही दिखना शुरू हो गए थे इस राज परिवार में, या ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है. और इनफैक्ट इसका उत्तर ना वाल्मीकि जी स्वयं देते हैं. ये सारा उन्होंने बताया है कि ऐसी कौन सी बात मंथरा ने कही जिससे कैकेयी माँ जो है उनका जो दिमाग है वो बदलने लगा, जिनका भाव बदलने लगा. मुझे पता नहीं क्यों कई बार इन प्रश्नों की बात नहीं करते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की जो सुंदरता है ना वो ये है कि वाल्मीकि जी ने प्रत्येक कैरेक्टर के मन को, भाव को, साइकोलॉजी को इतना सुंदर ढंग से समझा है और बताया है. उन्होंने कभी भी बात छुपाने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है. इसीलिए जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो बहुत सारे जो प्रश्न है ना दे जस्ट फॉल इनटू प्लेस. और आपने जो प्रश्न पूछा है इस विषय पर मैंने पूर्ण चर्चा भी रामायण अनरावल में करी है. बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसे अचानक कैसे हो गया. जो किसी को आप इतना प्रेम करते हो कभी किसी ने कह दिया हाँ ये तो बुरा है तो क्या आप बुरा मानने लगोगे, क्या इतने हद तक बुरा मानने लगोगे कि कहोगे किनारा उसे निकाल दो, वनवास भेज दो, है ना. ऐसे कैसे हुआ. तो थोड़ा सा हम इसको बैक में जाते हैं. जब दशरथ जो है वो श्री राम को युवराज बनाने का जब निर्णय लेते हैं
उस समय भरत और शत्रुघ्न जो है वो कैकेयी देश में, वो अपने मामा के घर, भरत के मामा के घर गए हुए हैं। और जब ये निर्णय लिया जा रहा है कि भाई किसे राजा बनाए, और प्रस्ताव रखा है दशरथ जी ने कि मैं राम को चाहता हूँ, आप लोग बताओ आप मान, इसे मान्य है ये बात आपको मान्य है? और अगर मान्य है तो क्यों? इसीलिए आप मत मेरी हाँ में हाँ मिलाओ क्योंकि मैं राजा हूँ। अगर आपको लगता है कि राम में सामर्थ्य है तो ही आप उसका साथ देना। तो ये सारी चर्चा हुई है, तभी भी उन्होंने कैकेयी के राजा और जनक को नहीं बुलाया, ठीक है, मतलब अपने ससुराल पक्ष को, दोनों ही, ना ही बच्चों के ससुराल पक्ष को ना यहाँ से बुलाया। ओके, वो शायद चाहते होंगे कि इसमें कोई टांग ना अड़ाए, है ना, क्योंकि ये पर्सनल हो जाएगा तो ये टांग ना हो, इसे कहीं ना कहीं उनको पता तो होगा कि क्लेश हो सकता है, क्लेश हो सकता है, मन में मन 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 मुटाव आ सकता है। एग्जैक्टली, नहीं तो वो सबको बुलाते, बट दोनों साइड के ससुराल को उन्होंने बाहर रखा है। अच्छा, उसके बाद वो श्रीराम को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भरत आए ना, उससे पहले ही तुम राजा बन जाओ। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे भरत पर विश्वास नहीं है, भरत अत्यंत चरित्रवान है, भरत अपने भाई का अनुसरण करने वाला है, श्रीराम का अनुसरण करने वाला है, पर वो कहते हैं ये जो लक्ष्मी है ना, ये जो समृद्धि है, वो ऐसी चीज है कब किसी का मन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अब उनके मन में कुछ चल रहा है जिसके विषय में तभी हमें कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, वो कहे यार अपने क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं दशरथ। फिर ये प्रसंग आता है कि मंथरा को पता चलता है कि राम का राजाभिषेक होना है, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि अरे ये क्या, और वो कैके के पास जाती है। सबसे पहले जब वो कैके को कहती है कि अरे क्या तू यहाँ क्या पड़ी हुई है, तुझे पता है क्या होने वाला है, तेरी तो हालत खराब होने वाली है, राम को राजा बनाने का प्रस्ताव मान्य हो गया है और राम तो राजा बन जाएंगे, अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। तो कैके को समझ नहीं आता, वो तो खुशी के मारे नाच उठती है, वो कहती है अरे राम ही तो लायक है, राम में सामर्थ्य है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो तुम्हें जो चाहिए मेरा हार दे दूँ, ये दे दूँ, बहुत अच्छी बात है ये, तुम्हें इतना अच्छा समाचार सुना। और वापस वो मंथरा कह रही कि तेरी तो बुद्धि खराब है, तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तेरे पति जो है वो हमेशा तेरे पास ही आते हैं, है ना, उनको जब भी आवश्यकता होती है तेरे पास आते हैं, समय बिताने तुम्हारे पास आते हैं, हमेशा दिखाते ऐसा है कि तुम ही उनकी सबसे प्रिय रानी हो, पर आज जब कुछ कार्य करने की बात आई है, जब निर्णय लेने की बात आई है, तो कौशल्या का पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि देखो राम जो है उसको, उनको भरत से तो कोई, लक्ष्मण से तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तो छोटा है, लक्ष्मण तो हमेशा उनके साथ ही रहता है, पर भरत तो अधिकतर टाइम तुम्हारे मायके रहा है, तो श्रीराम को ना उसके साथ ऐसा कोई प्रेम है, और अगर श्रीराम के अधिपत्य को कोई चैलेंज करेगा तो वो भी भरत ही है, तो ऑब्वियसली तुमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि श्रीराम के इंटरेस्ट में भरत को हटा देगा। तो अगर ऐसा हो गया, श्रीराम अगर राजा बन गए, तो भरत और उनकी संतानों को कभी कुछ नहीं मिलेगा, इस राज लक्ष्मी से वो वंचित हो जाएंगे। अब धीरे धीरे से लग रहा है कि अच्छा अपने बेटे के लिए कहा है, तो इनसिक्योरिटी, वो मातृत्व की इनसिक्योरिटी थोड़ी आ रही है, तभी भी कंप्लीटली वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। फिर एक बात याद दिलाती है मंथरा, मंथरा कहती है तुम भूल गई तुम दशरथ की दूसरी रानियों के साथ कैसा व्यवहार करती हो, तुम्हें बहुत अभिमान है, तो कैकेयी युवा है, दशरथ से उम्र भी बहुत छोटी है और अत्यंत सुंदर है, और सुंदर इतनी वो सुंदर है कि जब से उनका विवाह दशरथ के साथ हुआ है तब से दशरथ एकदम काम आ सकते हैं कैकेयी में, ठीक है, ही इंडल्जेस हर एंड शी आल्सो इंडल्जेस हिम। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम्हें इतना अभिमान है कि तुम सबसे प्रिय हो तुम्हारे पति की, तो तुम कैसे अपनी दूसरी रानियों की, जो तुम्हारे राजा की दूसरी पत्नियां हैं, सौतने हैं, उनकी अवहेलना करती हो, कैसे उनके सामने अभिमान से पेश आती हो। अब जब कौशल्या को अवसर मिलेगा तुम्हें नीचा दिखाने का, तो तुमको क्या लगता है वो करेगी? अब देखो कौशल्या वहां करे ना करे वो अलग बात है, पर मन में वो जो इनसिक्योरिटी है ना, और किस बात की, जो उसने किया है अपना ही गुनाह जो है कि हाँ मैं, हम सामने वालों का आकलन अपने हम कैसे उसी से करते हैं ना, तो अगर वो राजमाता बन जाती तो वो वैसे ही कौशल्या और सुमित्रा माँ की अवहेलना करती है, तो उसके बाद तो और बढ़ जाता। तो ये जब बात मंथरा कहती है तो उसे लगता है हाँ यार, और एकदम से उसका माइंड चेंज हो जाता है, और उसे लगता है हाँ एक भी दिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि कौशल्या को मुझसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, तो तब वो चेंज हो जाता है। अब लोग कहते हैं मंथरा ने एकदम षड्यंत्र रचा, नहीं, मंथरा कौन है, मंथरा बचपन से कैकेयी के साथ है, हाँ, ये है? मंथरा का ओरिजिन है, बचपन से उसके सामने कैकेयी बड़ी हुई है ना,
तो उसका दहेज में आई, उसके साथ दहेज में नहीं, वो रानी के साथ आ जाते थे ना, उनका ध्यान रखने वाले हैं, हाँ। जो उनके कुछ कुछ सखियां आ जाएंगी, हाँ। उनका ध्यान सब संभालने के लिए वगैरह, तो वैसे ही आ गई थी। तो मथुरा उसके माँ जैसी थी, ओके, ठीक है, पर वो क्या थी, वो थी तो दासी, है ना, तो बुद्धि, उनकी बुद्धि कोई कैकेयी से तो मैच करने जैसी नहीं थी। उनकी उनकी श्रद्धा किसमें थी, उनकी लॉयल्टी किसकी ओर थी, कैकेयी के लिए। तो उनको ये दुख होना कि अरे मेरी रानी का हक चला जाएगा, उसके लिए इतना सोचना, इतनी छोटी बुद्धि से सोचना ठीक था, वो और कुछ नहीं सोच रही थी, उसको केवल इतना था कि मेरी रानी के साथ सही हो, जीवन को ऑब्जेक्टिव वही था। पर कैकेयी का क्या, पर वो जो इनसिक्योरिटी थी, वो जो गिल्ट था, उसके कारण पूरा भाव बदल गया कि मुझे अच्छे लगते हैं राम, ये सब चला गया कि कौशल्या को मुझसे ज्यादा सम्मान कैसे मिल जाएगा, वो मात्सल्य भाव, वो जलसी, सब कुछ आ गया, है ना। अच्छा, और क्या ये केवल कौशल्या के साइड से पता, क्या केवल कैकेयी की साइड से पता चलता है, नहीं। जब कौशल्या माँ को श्री राम बताते हैं कि मुझे वनवास हो गया है, तो पता है कौशल्या माँ क्या कहती है, वो कहती है अरे ये क्या है, उससे अच्छा तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता, क्योंकि आज के दिन तक जब से कैकेयी से विवाह करके आए हैं दशरथ, मुझे तो कभी उन्होंने, मुझे तो कैकेयी की दासियों से भी कम उन्होंने भाव दिया है। वो ये कहती है कि मुझे ऐसे दाम्पत्य जीवन का कभी सुख मिला ही नहीं है दशरथ के हाथों, और जो दासियां हैं, जो दूसरी रानियां हैं, और जो दासियां भी हैं कैकेयी की, वो भी मेरी अवहेलना करती है। मुझे ऐसे था कि तुम राजा बन जाओगे, फिर मुझे सुख मिलेगा जो मुझे आज तक कभी नहीं मिला, पर अब तो तुम ही जा रहे हो, इसलिए मेरे लिए तो दुख ही दुख है। ये बात कौशल्या माँ भी कह रही है, मतलब वो डायनामिक्स तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है उस डायनामिक्स में। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न मेरा ये है कि प्रभु श्री राम को वनवास हुआ है ना, वनवास जो वचन की पूरी कहानी है उसकी वजह से वनवास दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा सवाल सही है या गलत है, लेकिन मुझे, मेरे मन में सवाल है कि प्रभु श्री राम ने वो वनवास एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था भाई। प्रभु श्री राम पॉपुलर लीडर थे, महाबली है ना, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस थी, हर कोई प्यार करता था उन्हें, परिवार में उनके पास उनके लिए सपोर्ट था। इनफेक्ट जब वनवास हुआ उस बाद में हम लोग देखते हैं कि भरत आते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानने पे उनकी चरण पादुका से उस पे रख के और शासन चलाते हैं, इस लेवल का परिवार के अंदर सपोर्ट था। तो फिर प्रभु श्री राम को ये एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या थी, इसलिए हम श्री राम को, एक्चुअली हम तो क्या, वाल्मीकि रामायण में आया है और मारीच ये रावण से कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जो है ना वो धर्म की मूर्तिमंत का मूर्तिमंत प्रतीक है। तो कहता है किस प्रकार, तो सबसे पहली बात तो ये बात जो आप कह रहे हो ना, यही बात लक्ष्मण कहते हैं कि कैसे आप, ये तो अन्याय है, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, ये तो केवल एक स्त्री के कहने में आकर, एक स्त्री के वश में आकर राजा जो है वो अपना धर्म भूल रहे हैं, उसकी काम आसक्ति के कारण वो ये गलत निर्णय ले रहे हैं, और अगर राजा भी गलत करता है तो एक क्षत्रिय होने के नाते हमें उसे मानना तो नहीं चाहिए, साथ साथ दंडित करना चाहिए। तो आप जो कर रहे हो कि मैं चला जाऊंगा, ये ठीक नहीं है, लक्ष्मण कहते हैं ये, और श्री राम उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं पहली बात तो ये हमारे पिता है, पिता का वचन मानने से बहुत बहुत लोगों ने श्रेष्ठता पाई है, केवल पिताजी का वचन मानने से, भले उस समय वो गलत भी लगे, तो ये एक बात है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर मैं ना मानूं उनकी बात तो कदाचित अभी तो वो मुझे कुछ ना कहे, पर मैं जानता हूं कि वो सत्य प्रिय है, तो उनको मन में हमेशा लगेगा कि उन्होंने कैकेयी को जो वचन दिया है वो पूर्ण नहीं हुआ, तो उनको मन, उनको बहुत संताप होगा, और मैं उसके लिए उनको उस परिस्थिति में डालने, मैं डालना नहीं चाहता। और वो कहते हैं तीसरी मुख्य बात है, अभी मैं जो आपको बात कहने वाली हूँ ना, मैंने ये कई जगह जगहों पर की है, और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक रील भेजा, वाह अमनदीप, वाह डॉट अमनदीप करके एक रील भेजा, और मेरे ख्याल से वो फौज में रहे हैं क्या क्या, और उन्होंने, मैं जो भी प्रसंग बताने वाली हूँ वही प्रसंग उन्होंने उस रील में बताया है। एंड ऑफकोर्स जो उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो जानेंगे, तो उन्होंने क्रेडिट भी दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं ये जो कह रहा हूँ, इट इज रिसर्च फ्रॉम अमी गणात्रा जी पॉडकास्ट, ये उन्होंने कहा है। ऑफकोर्स जब फिर रील्स वायरल होती है तो वो क्रेडिट तो चला जाता है। एनीवेज, तो वो कहते हैं कि ये जो परिस्थिति है ना, ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया कि कैकेयी माँ को मुझसे दुख हुआ हो या उनका भाव मेरे लिए खराब हुआ हो, ना ही मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ के जैसा माना है, ना ही कैकेयी माँ ने कभी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है।
वो तो जैसा भरत को प्यार करती है उतना ही मुझसे प्यार करती है, अभी तक कर रही है। किसी को कल्पना ही नहीं हो सकती कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा वर मांगा कि जिससे मुझे पीड़ा पहुंचे। ये उनके बुद्धि में ये विचार मात्र आना समझ के बाहर है। तो इस प्रकार जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, अकस्मात असंकल्पितम, एकदम से आपने सोचा ना हो ऐसी परिस्थिति और समझ में ना आए ऐसी परिस्थिति जो तर्कसंगत ही रही है, ऐसी परिस्थिति जब उपस्थित होती है, आपके हर प्रयत्न और परिश्रम के पश्चात विपरीत फल ही आपको दिखाई देता हो और परिस्थिति आपके नियंत्रण के ही बाहर हो, तब वो कहते हैं कृतांतेव द्रष्टव्यम, इसमें मुझे कहीं ना कहीं भाग्य का ही हाथ दिखता है। अब भाग्य मुझे किस ओर ले जाना चाहता है ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इस परिस्थिति से लड़ू नहीं और इसका स्वीकार करूं। वैसे भी भाग्य से लड़ना तो व्यर्थ है, इससे अच्छा इस परिस्थिति को स्वीकार कर कर आगे मेरे सामने क्या, कहां पर मुझे ये पथ मेरा, मेरा मार्ग कहां ले जा रहा है, मेरा भाग्य कहां ले जा रहा है, ये तो जब मैं आगे बढ़ता रहूंगा तब ही मुझे पता चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय मुझे इस परिस्थिति का, इस बनवास का स्वीकार करना ही सही है। देखते हैं आगे जीवन में क्या होता है, वो तो तभी पता चलेगा ना जब मैं देखूंगा, जब मैं इसे स्वीकार करूंगा और इसे लड़ूंगा नहीं। भाग्य से, नियति से लड़ना तो व्यर्थ है। तो ये वो बात बताते हैं इस परिस्थिति में। मेरे को पता है, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम को हम पुत्र, पिता, पति, हर तरीके के डिस्क्रिप्शन, योद्धा है ना, इस तरीके की नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दार्शनिक वो भी है उनके अंदर। ऑफ कोर्स है, इसीलिए तो रामो विग्रहवान धर्म। जब ये दर्शन की समझ होगी, जब बुद्धि इतनी तीव्र होगी कि वो प्रत्येक सिचुएशन को जितना दिख रहा है उतना नहीं पर पूर्ण रूप से समझ पाते हैं और व्यवहारिक तौर से, ऐसे नहीं कि भाई मन में आगे ऐसे कर रहे हैं ना, जो प्रैक्टिकल है उस समय। अब उन्होंने जो बात भाग्य की कही, आप देखिए कितने सारे आप महानुभाव देखेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीवन में क्या सोचा था और क्या हो गया। अब उस परिस्थिति में अगर वो केवल लड़ते रहते, रोते रहते, डिप्रेस हो जाते तो कुछ नहीं होता, पर वैसी जब लोएस्ट ऑफ लो परिस्थिति जब आई तब उन्होंने कहा देखते हैं आगे क्या होगा, लेट मी सी वेयर लाइफ टेक्स मी, राइट, और फिर कहां से कहां चली गई। ये वही तो भाव है ना, रादर देन सेइंग अरे ये क्या हो गया, मैं तो राजा बनने वाला था, अरे रे 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 ये भी बुरा, वो भी बुरा, मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ। उसके बजाय वो कह रहे हैं कि हाँ नसीब का तो हाथ है परंतु आगे क्या है क्या पता। और हमने शुरुआत में आपने पूछा मुझसे कि श्रीराम को क्यों याद किया जाता है, ये कारण है क्योंकि उनकी नियति में रावण का विध्वंस लिखा था, वहां पे अटक जाते तो कदाचित उनकी कथा भी हम नहीं मानते, तो इसीलिए मतलब कभी कभी जो भाग्य ने हमारा, जब हमारा बस नहीं चल रहा, मतलब भगवान राम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा बस नहीं चल रहा तब हमें भाग्य ने हमारे लिए जो रास्ता चुना है उस रास्ते पे चलना शुरू कर देना चाहिए। वहां पे जो दरवाजा बंद हो गया है उसमें मारने के बजाय आजू बाजू देखो कहीं और बड़ा दरवाजा तो नहीं खुला, ये वही बात है। अमी जी अब थोड़ी सी बात करते हैं सीता माता के बारे में, क्योंकि सीता माता के बारे में मेरे क्या हमारे देश के अंदर जितने लोग रहते हैं सभी ने बहुत सारी बातें सुनी है ना, जब उनका हरण हुआ उसके बाद रावण वहां लेके गया, हर तरीके की कहानी, हर पहलू से कहानी सब कुछ सुना है ना। लेकिन मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि सीता माता का एक पहलू है जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है ना, और मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि एक पत्नी के रूप में सीता माता का डिस्क्रिप्शन है ना, एक नारी के रूप में डिस्क्रिप्शन है रामायण के अंदर, आप मुझे बताइएगा कि क्या इसको लेके कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक बहू के रूप में सीता माता कैसी थी, मतलब परिवार को हैंडल करने का उनके अंदर किस तरीके का टैलेंट था, इसको लेके क्या कुछ बताया गया है? इसको लेके बहुत डिटेल्स नहीं बताया है परंतु अपने को थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा मिलता है। ये कैसे मैं आपको बताती हूँ, एक तो
सबसे पहले जब श्री राम उनसे कहने जाते हैं कि मुझे वनवास में जाना पड़ेगा, तुम यहाँ शांति से रहना, तुम भरत के सामने मेरी बढ़ाई मत करना, तुम मेरे अपने सास ससुर का ध्यान रखना वगैरह वगैरह, ये उसको सिखा बता रहे हैं कि तुम ये करना, तुम ये करना, वो करना. और पहली बात तो सीतामा कहती है, अरे तुम चले जाओगे और मैं यहाँ रहूंगी, इसका क्या अर्थ है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी. पर उसके पहले वो कहती है, तुम मुझे ये पाठ नहीं सिखाओगे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से समझा के भेजा है, मुझे पता है मेरा क्या कर्तव्य है, सबके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है घर पे, मुझे ये सब पता है, ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. और मैं ये भी जानती हूँ कि पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है पति का साथ देना किसी भी परिस्थिति में, फिर वो महल में हो या वन में हो, सुख सुविधाओं में हो या ना हो, जहाँ पति है मुझे पति का अनुसरण करना है, ये तो मैं जानती हूँ. इसलिए एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, ये तो मुझे बताओ, ये वो कहती है. अच्छा, मतलब आप देखो कितनी ज्वाला है उनमें, कितना आत्मविश्वास है कि वो इस प्रकार कह सकती है. परंतु श्रीराम को हमने देखा है ना, श्रीराम धर्म को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझता है, श्रीराम कर्तव्य को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझता है. और ऐसी समझ रखने वाला व्यक्ति अगर किसी से इतना प्रेम करता है जैसा वो सीता माँ से करते हैं, और उसकी मैं चर्चा नहीं कर रही, मैंने काफी पॉडकास्ट में बताया है, बट अगर आप पढ़ोगी तो भी वो दोनों, वो कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, ये मेरे ख्याल से और कोई कपल ऐसा नहीं है जिसको हम मेड फॉर ईच अदर कह सके, जैसे श्रीराम और सीता माँ है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस प्रकार का है उनका जो प्रेम है. मैं कई बार कहती हूँ कि वाल्मीकि जी कहते हैं उनको शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनके हृदय एक मेक से बात करते हैं. तो अगर उनको सीता माँ के लिए इतना भाव, इतना प्रेम, इतना आदर है, तो अगर वो अपना बहू का जो कर्तव्य है वो नहीं निभाती तो कैसे हो सकता. जितने श्री राम अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य परायण है, ऑब्वियसली सीता माँ उतना रही ही होंगी, तभी ही वो ट्यूनिंग इतना बैठता है. अच्छा, उसके बाद जब वो मृग देखते हैं तो वो कहती है कि मुझे मृग चाहिए. तो जब लक्ष्मण कहते हैं कि यार इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा मृग तो देखा नहीं है, चित्र विचित्र, सोनेरी है, रुपेरी, उसमें रत्न जड़ित है, उसकी नीली सींग है, ये वो, तो ऐसा मृग तो कभी देखा नहीं है, तो इसमें तो कुछ षड्यंत्र लग रहा है मुझे. पर सीता माँ कह रही है, नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, क्योंकि मैं लेकर जाऊंगी, मेरी सास को दिखाऊंगी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो जब वो सोच रही है कि मेरी सास को दिखाऊंगी, तो वो जनरली तो क्या होगा कि मेरी माँ को दिखाऊंगी, ऐसा होता है ना. पर वो सास के साथ जब माँ वाला संबंध हो, लिखा गया है नहीं, कौशल्या माँ ऐसा है, मतलब कौशल्या माँ एग्जैक्टली क्या है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर वो हाँ सास है, शरण श्वश्रु ये कहते हैं. मतलब मेरा सिंपल सा ये कि कौशल्या माँ को डायरेक्ट करते हुए ये, पर वो ना उससे आप हाँ कौशल्या माँ को दिखाऊंगी, ये हाँ. कि माताओं को दिखाएंगे तो उससे क्लियर हो जाता है ना, कि कौशल्या माँ की बात कर रहे हैं, कि वो जाकर उनको दिखाने की बात कर रहे हैं, अपनी सुनैना माँ की बात नहीं कर रहे, कि अयोध्या लेकर जाएंगे और माओ को दिखाएंगे, तो कौन होगा वो, यही सब. तो वो भाव कि हाँ मुझे मैं ये ले भी जाऊंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मैं उनको दिखाऊंगी, ये सारी जो बात है, तो डायरेक्ट उनका बताया नहीं गया, पर इनडायरेक्टली जो हम देखते हैं छोटी छोटी बातें, उससे ये तो लगता है कि अवश्य ही वो अच्छी वो रही होंगी. भले आज के जैसा उनको कार्य करना पड़ता होगा ऐसा आवश्यक नहीं है. वो इनफैक्ट महाभारत में द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए और अच्छे से बताया गया है कि वो कैसे सबकी सेवा करती है. इसमें इतना नहीं है, क्योंकि वैसे भी सबकी अपनी अपनी दासियां हैं. इनफैक्ट कौशल्या माँ की मैं आपको बात कहती हूँ, जनरली कौशल्या माँ को जब हम इमेजिन करते हैं तो हमको लगता है अरे बेचारी पिता, उनका बेटा चला गया और हमेशा इतने उदास है वो. ऑफकोर्स पीड़ा हुई होगी, दुख हुआ होगा, ये तो कोई मना कर ही नहीं सकता है ना. और मैंने आपको जो भी कही कौशल्या माँ की जो डायनामिक्स की बात कही, उससे भी ये पता चल सकता है कि उन्होंने बहुत दुख देखा है जीवन में. परंतु क्या वो केवल एक अबला नारी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. जब लक्ष्मण कहते हैं श्रीराम से कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो लक्ष्मण कहते हैं, तो पहले श्रीराम कहते हैं नहीं नहीं तू मत आना, क्योंकि फिर हमारी माँओं का क्या होगा, कौशल्या माँ का, सुमित्रा माँ का क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली कैकेयी जो है वो कोई उनके साथ बहुत अच्छा, हम थे तब तक अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हमारे जाने की बात तो क्या होगा, तो इसीलिए हम में से एक को तो यहाँ रहना चाहिए, मेरे लिए तो ऑप्शन नहीं है, तो तुम यहाँ रहो. तो मतलब लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मैं क्या कौशल्या माँ का भरण पोषण करूंगा या उनको संभालूंगा, कौशल्या माँ मेरे जैसे सहस्त्रों का पालन पोषण कर सकती है. लक्ष्मण कहते हैं आप तो जानते हैं कि कौशल्या माँ के पास सहस्त्र गांव आते हैं, मतलब सहस्त्र गांव का जो कर है वो कौशल्या माँ को आता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो उनके अंडर हो रहा है. अच्छा हाँ,
तो इसलिए वो कहते हैं कि वो कोई मेरी सेवा के लिए रुकी नहीं है, वो तो मेरे जैसों का पालन पोषण करती है, और इसलिए मुझे सुमित्रा माँ की भी टेंशन नहीं है क्योंकि कौशल्या वो उनका ध्यान रख सकती है। तो ऐसी है वो भी इमोशनली जो इश्यूज और फैमिली में वो सब जाने दो, उसका अर्थ कोई अशक्त है या अबला है ऐसा नहीं है। तो ये बात कौशल्या माँ के विषय में आती है। अभी जो आपने बात बोली इसके मेरे माइंड में चार पांच क्वेश्चन है कि इस बात पर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि मतलब कितने अच्छी तरीके से वुमन एम्पावरमेंट हमारे इतिहास में हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब स्वयं यानी कि खुद स्वयं अपना हस्बैंड चूज कर रही हो, जो वो डिसाइड करेगी जो उसको खूबसूरत लगे, बलशाली लगे, जिस जो भी उनका मापदंड हो। यहाँ कौशल्या माँ कर वसूल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है ना, कितने अच्छे लेवल में। देखो उनको वरदान कब मिले, हाँ, जब वो युद्ध में साथ गए और अपने राजा को बचाया है, हाँ। है ना। अच्छा आपको और एक मैं प्रसंग बताती हूँ सीता माँ को लेके। जब वनवास तो श्रीराम को हुआ है, सीता माँ को देखो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जो सीता माँ जाना चाह रही है इसलिए श्रीराम उनको लेकर जा रहे हैं। तो जब फाइनली सबको हम जा रहे हैं, सबके आशीर्वाद देने जाते हैं, तो कैकेयी तो बहुत खुश है कि चलो ये तो कट रहे हैं, मेरा टेंशन वैसे ही खत्म हो गया। वो तो स्वयं से बिना किसी चैलेंज के बिना कुछ किए जा रहे हैं। तो वो श्रीराम के लिए लक्ष्मण के लिए वो वर्कल मतलब वो जो झाड़ का वो जो बार्क होता है ना वो लेके आती हैं, जो तपस्वी पहनते थे उस समय, और सीता जी के लिए भी लेकर आती हैं। तो सीता जी वो पहन नहीं पा रही है, ठीक है, और उनकी आंखों से अश्रु बहन करते हैं क्योंकि सब सामने हैं, शी इज नॉट एबल टू, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो वर्कल वो करते कैसे। तो पहले तो श्रीराम ऐसे दौड़ के उनके पास जाते हैं और उनको मदद करते हैं, ऐसे वो बहुत वो छोटू सा बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है। पर उस समय वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा आता है, जो गुरु है उनके, वो तो पहले ही कैकेयी से कह चुके हैं कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। पर जब ये होता है, जब कैकेयी इस प्रकार सीता जी के साथ व्यवहार करती है, तो वशिष्ठ जी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम क्यों दे रही हो सीता को, काहे का वल्कल दे रहे हो, सीता को जाने के लिए कहने का तुम्हें हक भी क्या है, तुमने तो वनवास केवल श्रीराम का मांगा था, तो वो जाएंगे वनवास, सीता क्यों वनवास जाएंगी। वो कहते हैं सीता वनवास तो नहीं जाएंगी, परंतु यहाँ पे राम के नाम पर, राम के सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगी। अच्छा ये बात कहेंगी, दारा ही आत्मा सर्वेशाम, ये जो पत्नी होती है वो जो पति है उसकी आत्मा होती है, आत्मा इयमिति रामस्य, ये जो सीता है ये श्रीराम की आत्मा है, एंड इस नाते से पालिष्यति मेदिनी, वो कहते हैं ये जो अयोध्या की जो के लोग हैं, जो जनता है उसका पालन करेगी इस सिंहासन पर बैठकर। ये वशिष्ठ कहते हैं और कोई बना नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स वशिष्ठ गुरु कह रहे हैं जो सही होगा वही कहेंगे ना, पर सीता जी कहती ही नहीं, मुझे आपका शासन, मुझे अयोध्या कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे पति के साथ रहना है, जहां वो है वहां मैं हूं। और सीता जी वो सब छोड़ छाड़ कर श्रीराम के पीछे 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 जाती है, पर वो समाज देखिए कैसा है। वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने अगर ये बात बोली है ना, तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होंगे ना कि जनता एक्सेप्ट कर लेगी, जनता भी एक्सेप्ट करेगी, और सीता जी में भी वो क्वालिटीज होंगी तो ही ना, और अगर सीता जी में वो क्वालिटीज होंगी मतलब उनको ट्रेनिंग भी तो मिलती होंगी ना। वैसे अब अगर कौशल्या माँ जो है वो हजार या सहस्त्र गाँव को संभाल रही है, तो अगर उनमें टैलेंट होगा तभी तो करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना उनको बोल देंगे कि हाँ भाई तुम चलाओ। वही मैं कह रहा हूँ कितनी खूबसूरती से हमारे इतिहास में आए वो एनवायरमेंट है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र, अब इसी बात है षड्यंत्र कहूँ क्या कहूँ, जबरदस्ती टारगेट कर रहे हैं तो फिर षड्यंत्र ही है ना, मैंने वाल्मीकि रामायण के श्लोक के रेफरेंसेस दिए, उसका मतलब ये सब है हमारे पास है, ठीक है, हमें क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं, हम अपना कुछ नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, हम फिक्शन पढ़ते हैं, हम जो बाहर वाले हम जो भी कहें कि किसी ने षड्यंत्र रचा था हम वो सब पढ़ते हैं, पर हमारा हम नहीं पढ़ते। और ऐसा तो है नहीं कि कहीं पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, जो पता नहीं हर जगह है, उपलब्ध है, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। जब तक कोई गोरी चमड़ी वाला आके हम लोगों को हमारे इतिहास नहीं बता था, हम लोगों को या फिर हम फिक्शन पढ़ते हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में वेस्टर्न हिस्ट्री पर बनी हुई कोई मूवी इंडिया में आएगी तो वो हिट हो जाएगी, हाँ वो सुपर हिट चली जाएगी और करोड़ों रुपए लेके जाएगी यहाँ से, जबकि उसे हिस्ट्री का आपसे कोई लेना देना नहीं, हम रिलेट नहीं करते, हमारा कोई
और हमारे अपने इतिहास से हम लोग दूर होते जाते हैं। एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। अभी वो पता है एक टर्मरिक लाते आती है स्टारबक्स में, जिसके लिए 400-500 रुपए लोग देते हैं। घर पे हल्दी का दूध क्या बोलेंगे? तो वो वही हुआ ना, गोरी चमड़ी में आप टर्मरिक लाते पी रहे हो। हां एग्जैक्टली वही बात है। और अपने 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 इतिहास से लोग दूर जाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर हम मैं अगेन मैं वही बोलूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अगर इस इतिहास को बचाया है ना, तो ये वैल्यूएबल है, इस वजह से इसे बचाया गया है। भाई हजारों राजाओं की कहानियां थी यार, बहुत राजा हुए होंगे, सबको छोड़ के इस कहानी को बचाएगा, इन कहानियों को बचाएगा। और बचाने के लिए कोई उन्होंने कीमतें चुकाई है ना, कोई इतनी इजीली नहीं बच गई है बिना इसको डिस्ट्रॉय करे, है ना, इस इतिहास को यहाँ तक लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है ना। उसके बावजूद हम लोगों को हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये संभालना और दायित्व बनता है कि हम लोग इसे संभालें, इसके रेस्पेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें आपने जो बात बोली उसमें दो तीन पॉइंट है। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है जो बहुत लोग पूछते हैं और आजकल पॉलिटिक्स भी होगी इस पर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक लोग ये बोलते हैं कि नॉनवेज वाली बात आती है कि सीता माता ने वो मांगा क्योंकि वो नॉनवेज खाती थी, है ना, अगर नॉनवेज नहीं खाती थी तो हमें क्या चाहिए था। ये इसको आप यार देखो, ये जो नॉनवेज का भाग है ना, लोग इसको लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, एकदम डट जाते हैं कि नहीं नहीं मांस का अर्थ तो फल का गुदारी है। ठीक है, अब उनको कैसे मालूम, इसीलिए पता है ना, क्योंकि किसी किसी अनुवादकों ने उसको ऐसा किया है, पर ऐसे भी अनुवादक हैं जिन्होंने उसको फल का गुदा के तौर पर नहीं किया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपके मन में आपको क्या श्रद्धा है, उस हिसाब से आप वो मांस का इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं इसको वैसे देखती हूँ, मुझे लगता है ये मैटर ही नहीं करना चाहिए कि श्रीराम क्या खाते थे या क्या नहीं खाते थे। वो अपने समय अनुसार जो भी करना चाहिए था, खाना पीना रहना, वो उस प्रमाण से होता था। ठीक है, आज के प्रमाण से नहीं होता था। आज इसलिए ये बात कहना कि क्योंकि आज हम नहीं खा रहे इसलिए वो तो खा ही नहीं सकते, ये भी गलत है। और ये कहना कि वो खाते थे इसलिए हम आज खाने लगे, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या वो मांस फल का गुदा है, खाया नहीं खाया, उससे श्रीराम के व्यक्तित्व में कोई भी फर्क पड़ता है? नहीं। अगर वो मांस खाते भी थे तो स्वयं जंगल में शिकार करके जो भी मिलता था वो खाते थे। क्या उनके लिए वो चिकन बिरयानी नहीं आती थी, मटन बिरयानी बना के उनको ये नहीं किया जाता था, है ना? उनका जीवन ऐसे था, आवश्यकता होगी तो खाया भी होगा। ऐसा तो था नहीं कि तभी क्षत्रिय नहीं खाते थे। क्षत्रिय क्या, बहुत सारे सभी समाज के लोग, सभी कम्युनिटीज के लोग एक टाइम पे खाया करते थे, धीरे धीरे जैसे खेती बढ़ी। वो दौर भी वैसे ही था, आवश्यकता। आज हम काम मतलब ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करने की बात कर रहे, तब ऐसा नहीं था, रजस की आवश्यकता थी, वो सब था, है ना? तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं है जिसको लेके लोग इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको पहले तो मैं कई बार इसको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करती थी कि ऐसा, अगर आप ऐसा मानते हो तो ये ऐसा होगा, और भी रेफरेंसेस है जिससे पता चल सकता है कि कदाचित खाया भी होगा वगैरह वगैरह। अब मैं कहती हूँ क्योंकि कैसा है ना, इस चीज को लेकर लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि जिसको जो मानना होता है वही मानता है, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं अब तो इतना कहती हूँ, आपको जो मानना है आप मानिए, परंतु आप इस बात को लेके इतना मत सेंसिटिव हो जाइए कि आप श्रीराम के चरित्र को डिफाइन करने लगे, है ना? उनके खाने या नहीं खाने से उनके चरित्र कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके जीवन में वो क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे महत्वपूर्ण ही नहीं है। उन्होंने अपने निर्णय कैसे लिए, वो संघर्षों से कैसे जिए, धर्म संकटों से कैसे उन्होंने सही धर्म को चुना, है ना? ये सीखने वाली बात है। हम किसमें उलझ के रह जाते हैं, प्रॉब्लम यही है ना, हम जो आवश्यक नहीं है उन विवादों में फंस जाते हैं, और जो बात सीखनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि सीखना तो फिर हमें हमारे दोष दिखेंगे। श्रीराम जैसा बनना किसी को नहीं है, केवल उनके लिए लड़ाई करने से तैयार हो जाते हैं, वो भी ऐसी ऐसी बातों पर। तो मुझे लगता है कि लोग इससे बाहर निकले, बहुत हो गया, खाते थे नहीं खाते थे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ब्राह्मण आज भी हैं जो खाते हैं, है ना? ठीक है यार, पर अगेन वही बात है कि अगर कोई ये बात कहे, क्योंकि ये जो विवाद था वो किससे शुरू हुआ, वो अन्नपूर्णी नामक जो साउथ की फिल्म है जिसमें एक जो मुसलमान कैरेक्टर है वो इस ब्राह्मण, और वो भी कैसी ब्राह्मण जिसके पिताजी मंदिर में खाना बनाते हैं, है ना? मतलब उनको तो कितना शौच का पालन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करता है। उस परिवार की लड़की को
तुम रामायण का संदर्भ दे रहे हो और वो मान भी जा रही है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि हम कभी भी वो खाते थे इसलिए खाओ ऐसा हम मानते ही नहीं है, या वो नहीं खाते थे इसलिए ना खाओ, नहीं, खाना पीना अपनी आवश्यकता, अपने समाज की वैल्यू उस समय के अनुसार खाना चाहिए। आज तो अगर हम मांस भी देखें तो कितना हार्मोन इंजेक्टेड है, सब कुछ है ना, तो इसलिए वैसा एग्जाम्पल यूज करना और कहना अरे राम तो खाते थे तुम तो खा सकती हो सब सही है, नहीं नहीं बस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो टारगेट करने वाली बात है, क्योंकि कुछ कुछ ये जो खाने पीने की बात है ना, ये तो इवॉल्व ही होती है, जैसे खेती आपकी बढ़ती है, जैसे आपको ज्यादा वेजिटेरियन खाना मिल पाता है, आप इवॉल्व कर रहे ना, वैसे देखा जाए तो हिंसा तो कम ही है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में हिंसा नहीं है, उसमें भी हिंसा होती है, बट रिलेटिवली कम है, तो जितना आप कम कर सको अच्छा ही है, तो आपको वो संदर्भ देकर आज क्या करना चाहिए, ये तो एकदम गलत है, इस बात को तो मैं सपोर्ट करती नहीं हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस। अमी जी, अब अपन लोग थोड़ी सी बात करते हैं प्रभु श्री राम के भाई यानी कि लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी को वनवास मिला नहीं था, लक्ष्मण जी को राम जी के साथ जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए, युद्ध भी लड़ा, पूरे समर्पण के साथ राम जी की सेवा भी करी, तो आप लक्ष्मण जी के कैरेक्टर को कैसे देखती? लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है रामायण में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद रामायण अलग प्रकार से होती, क्योंकि जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने श्री राम को स्पेशली सीता जी के विरह के बाद, जब सीता जी का अपहरण हो गया उसके बाद जिस प्रकार से श्री राम को संभाला है लक्ष्मण जी ने, इट इज अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट, जितना समर्पण उनका है श्री राम के प्रति, एक्चुअली बचपन से ही ना वो श्री राम और लक्ष्मण हमेशा साथ साथ ही रहे, बचपन से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो दोनों तो सुमित्रा माँ के बच्चे हैं, और ऐसे हो गया था कि लक्ष्मण हमेशा श्री राम के साथ रहते थे और शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहते थे, तो ऐसे वो पैर जो ना वैसे हो गया था, हर बात में हर चीज में राम और लक्ष्मण हमेशा एकत्रित रहे, और वो केवल वनवास जाने की बात नहीं है, जब शुरुआत में विश्वामित्र जी आए थे श्री राम को लेने कि भाई मेरा सिद्धाश्रम है वो सुबाहु और मरीच मेरा यज्ञ को, मेरे यज्ञ को तबाह कर रहे हैं, तभी भी श्री राम के साथ लक्ष्मण को भेजा गया था, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही, वो कभी अलग रहे ही नहीं ऐसा, तो वनवास में भी उनको ये था कि नहीं जहाँ पे राम होंगे मैं जाऊंगा, भले उनको जब, जो मैं पहले भी बता रही थी, वो कोई श्री राम के निर्णय से, वनवास जाने के निर्णय से प्रसन्न नहीं थे, उनको लग रहा था वो गलत है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पिताजी गलत है, बध्यताम वा, वो कहते हैं कि या तो उनको मार दीजिए देना चाहिए, या तो उनको हमको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अन्यायी है, ये लक्ष्मण जी ने शब्द बध्यताम वा, उनको या तो मारना है तो मारना भी चाहिए या बंधन में डाल देना चाहिए, क्योंकि एक राजा होने के पश्चात वो एक अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ऐसा, वो इतने गुस्सा हुए, तो एनीवेज, पर फिर भी जब श्री राम जाना तो वो कहते हैं जो कुछ भी हो आऊंगा, मुझे आपके साथ तो आना ही आना है, और वो जाते हैं, और श्री राम भी बहुत प्रसन्न है, पहले तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मत आओ, माओ का ध्यान कौन रखेगा वगैरह, पर एक बार जब वनवास के लिए वो जा चुके हैं और एक रात्रि पसार हो जाती है, क्योंकि अब तो सीता जी भी साथ है ना, तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, उनको भी एक तरीके का वो कहते हैं ना कि कौन सा शब्द है वो, कि उनको भी धाड़स बनना, धाड़स है कि लक्ष्मण साथ है, और वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम साथ हो, मुझे बहुत निश्चिंत लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि नहीं तो सीता जी का ध्यान जंगल में उनको अकेले रखना पड़ता, ये तो लक्ष्मण है सब करेंगे, और वनवास के दौरान भी सारे जो फिजिकल काम है जैसे कुटिया बनाना, नाव बना के समुद्र, वो गंगा, वो कोई भी नदी पार करना, ये सब काम तो लक्ष्मण जी ही कर रहे हैं, अच्छा वो सब तो चलो नॉर्मल है जो भी फिजिकल काम जो वनवास में करना चाहिए, परंतु जब सीता जी से विरह हुआ है और सीता जी का अपहरण हुआ है, तभी श्री राम एकदम टूट गए, एकदम टूट गए, भावनाओं के आवेश में आ जाते हैं, पीड़ा में है, दुख में है, एक आम आदमी जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव, प्राण से प्रिय पत्नी, कितनी बार उन्होंने कहा है प्राणेभ्य प्रिय तरह भार्या, मेरे प्राणों से भी प्रिय भार्या मेरी, जैसे प्राण से भी प्रिय जो है वो उनसे विरह, उनसे जुदा हो गए, उनको पता भी नहीं है कहाँ है ना, ऐसे अचानक से चले गए, पता भी नहीं है क्या है, क्या होगा उनके साथ, वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता, तो ऐसी ही उनकी मानसिक अवस्था है, वो टूट चुके हैं,
वो बार बार अश्रु बहाते हैं, रोने लगते हैं, गिर जाते हैं, भागते फिर रहे हैं, वो कभी पशु से पूछते हैं, कभी पेड़ से पूछते हैं। ऐसी परिस्थिति में हर बार लक्ष्मण जी ने उनको संभाला है। अच्छा। वो उनको संभालते हैं कि भाई भाई आप चिंता मत करो, हम ढूंढेंगे, तुम लड़ो, हम लड़ेंगे, हम ढूंढेंगे। अच्छा, उत्साह देना तो एक बात है, पर जब वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो नाश्यामी सचराचरम, अगर मैं सीता को नहीं देखूंगा तो मैं तो इस पूरी पृथ्वी का विध्वंस कर दूंगा वगैरह वगैरह, वो कहते हैं, तभी भी लक्ष्मण उनको कहते हैं कि अरे आप शांत रहिए, हमको तो पता भी नहीं है दोषी कौन है, तो एक किसी के दोष के लिए हम पूरी दुनिया का थोड़ी विनाश कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये बात बड़े भाई है ना, तो ये भी कहते हैं कि मैं कोई अपनी बात आपको नहीं बता रहा, आप ही ने तो मुझे ये सब समझाया था, मैं तो आप ही की बात आपको दोहरा रहा हूँ। तो इतने प्यार से, इतनी संवेदना से, इतने एम्पथी से उन्होंने श्री राम को संभाल कर रखा है कि पूछो मत। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि श्री राम टूटने जैसे, क्योंकि उनको कोई भी वो प्रकृति में देखेंगे, कोई सुंदर चीज देखेंगे, ठंडी हवा आएगी तो उनको सीता माँ की याद आएगी, वो खिलते हुए फूल को देखेंगे तो उनको सीता माँ की याद आएगी, बहती हुई नदी को देखेंगे तो उनको सीता माँ की याद आएगी। तो ऐसे घड़ी घड़ी उनको वो स्मरण हो रहे हैं और वो भावनाओं में बह जाते हैं। और लक्ष्मण उनको कहते हैं कि नहीं, हमको हौसला नहीं हारना है, हमको ढूंढना है, जहां पर भी सीता माँ होंगी हम ढूंढ के निकालेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने जिस समय जो श्री राम को सुनने की आवश्यकता थी, अगर वो ये सुनना चाहते थे कि अरे नहीं नहीं तुम हौसला मत हारो, तो वो कहेंगे, कोई परिस्थिति उनको लड़ाई करने के लिए, उनको उकसाने का काम करने के लिए आवश्यक हो तो वो उकसाएंगे। तो वो जिस समय जो श्री राम के लिए आवश्यक था वो बात वो समझते थे और उन्होंने वैसा किया। यहाँ अब मुझे नहीं पता कि कैसे ये नैरेटिव सेट हुआ और कहाँ से नैरेटिव आता है, लेकिन मैंने खुद ने लोगों के मुंह से इस तरीके की बातें सुनी है कि जो लक्ष्मण जी थे उनका गुस्सा बहुत तेज था, वो शेषनाग के अवतार है इस वजह से उनका गुस्सा तेज था, है ना। हमेशा मैंने ज्यादातर ये गुस्से वाली बात सुनी है, लेकिन जैसा भी आपने बताया, सिर्फ गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो समझदार भी थे, है ना। तो मैं आपको इसकी पहली तो बात बताती हूँ कि वो शेषनाग के अवतार थे, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण अनुसार उनमें भी विष्णु अंश ही है, चारों भाइयों में विष्णु अंश है। अच्छा, ठीक है, ये रामायण में आता है, विष्णु अंश ही चारों भाइयों में सबसे अधिक श्रीराम में है, पर बाकी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न में भी विष्णु अंश है, ठीक है, ये आता है। और ये जो गुस्से वाली बात है वो मुझे लगता है कि जो पुनर्कथन हुए वहां, क्योंकि श्रीराम को सबने एक पृष्ठभूमि में बांध दिया कि उनको तो गुस्सा नहीं आ सकता, वो तो ये नहीं हो सकते, है ना। तो जब लोग कहते हैं कि श्रीराम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? ऑफ कोर्स थे, पर वो मर्यादा कोई हमारी डिफाइन की हुई नहीं है, जो उन्होंने सही समझा अपने लिए डिफाइन करी हुई वो उनकी मर्यादा है। पर हमारा क्या होगा, हमने अपने हिसाब से मर्यादा डिफाइन कर ली और उसमें श्रीराम को डाल दिया, और उससे अगर उनका बिहेवियर थोड़ा भी अलग हो तो फिर पुनर्कथनों में ऐसे होंगे कि वो तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए किसी और से करवा लो। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, ठीक है। एनीवेज, उस पे कमेंट किए बिना मैं आपको ये बताती हूँ कि वाल्मीकि रामायण में क्या है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसा हमेशा एंग्री यंग मैन ऐसा नहीं है। क्या उनको गुस्सा आया है? हाँ, ऑफकोर्स उनको गुस्सा आता है, उनको भरत पे भी गुस्सा आया है, उनके पिताजी पे भी गुस्सा है, पर श्रीराम को भी तो गुस्सा आता था, ऐसा नहीं है कि उनको कभी नहीं आता था। इनफैक्ट उनको कहा गया है श्रीराम के लिए कि उनका क्रोध और हर्ष दोनों ही अमोघ है, कि क्रोध का भी कारण होता है और अगर क्रोध हुआ है तो उससे कोई उद्देश्य भी हासिल होगा, और वैसा ही उनके हर्ष का भी था। इनफैक्ट बहुत सारी बार तो ऐसा है कि उनको गुस्सा आ रहा है और लक्ष्मण जी ने उन्हें संभाला है। जैसे जब सुग्रीव है, तो एक तो मैंने आपको कहा जब वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया का तहस नहस कर दूंगा, तब उनको संभाल रहे हैं लक्ष्मण। फिर जब सुग्रीव, जब वाली का वध हो गया है और सुग्रीव वो 4 महीने वर्षा के हैं, तब वो कहीं गए नहीं है, तब वो आराम का टाइम है, तो सुग्रीव एकदम अब बहुत बहुत ही वर्षों बाद सुख से बधाई थी, तो एकदम भूल गए कि उनको क्या करना है, उनका ये था। तो वो उन्होंने अपनी ओर पे हनुमान जी के कहने पर वानर सेना को बुला तो लिया था, बट राम जी लक्ष्मण जी को कुछ पता नहीं था, तो लक्ष्मण जी को भेजा श्री राम ने कि तुम जाओ और उसे धमकाओ। तो ये लक्ष्मण स्वयं से नहीं गए, श्री राम ने कहा है कि तुम जाके धमकाओ, और जो मैसेज सुग्रीव को दिया है वो भी श्री राम ने दिया है। वो कहते हैं नचर संकुचिता पंथा ये नवाली हतोगता समय तिष्ठ सुग्रीव, ये श्री राम ने यही मैसेज
स्वयं लक्ष्मण को दिया है कि जाके उसे कहो, क्या कहो, नच संकुचितापन था वो जिस पथ से, ये न वाली हतोगता, जिस पथ से वाली गया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ, समय तिष्ठा, समय है सीधा हो जा सुग्रीव, नहीं तो माँ वाली पथम अनवगा, नहीं तो वाली के पथ पे जाने की चेष्टा मत कर, तुमको भेज दूंगा। ये भी इस तरह की धमकी राम जी की ओर से दी गई, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बात आती है तो वो सबको अपनी मर्यादा सिखाते हैं ना, अपना कर्तव्य सिखाते हैं वो। ऐसे मतलब सिर्फ खुद को मर्यादा में रखना मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा का पालन करवाना भी मर्यादा पुरुषोत्तम। राजा है ना, तो राजा को तो जो भी कर्तव्य, राजा को दोनों होना चाहिए, क्षमा भी होना चाहिए, क्रोध भी, क्रोध ऐसे मन में आया इंपल्स अब ले झापड़ मार दिया ऐसे नहीं, पर अगर कोई अपना कर्म नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए तो ऐसे कैसे आप जाने दोगे, समाज चलेगा कैसे ऐसे। तो राजा का कर्तव्य है कि उसे वो करवाए। तो श्री राम बहुत ही अच्छे राजा हैं, इसीलिए उनकी बात हम याद रख रहे हैं, उनको राज धर्म की बहुत अच्छी समझ है, जो भी जिस समय आवश्यक है करना वो उन्होंने किया है और करवाया है। मतलब मेरे को ऐसा, आपने जो बात बोली ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम भगवान, अब राम जी जो हमारे रामायण है, मेरे को लगता है वाल्मीकि जी ये लिखना भूल गए, और आप मुझसे सहमत होंगे इस बात पे। राम भगवान को दो बार लाइफ में नागपाश में बांधा गया है, एक का एक तो मेघनाथ ने जब बांध चला के बांधा था, है ना, ये इसका तो मेरे हिसाब से वाल्मीकि जी ने लिखा है, और आज हम लोग जो बांध के बैठे हैं ये वाल्मीकि जी लिखना भूल गए। मतलब लिटरली हम लोगों ने अपने हिसाब से राम भगवान के चरित्र को बांध दिया है, उसके बाहर हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मतलब एक संकीर्ण मानसिकता में हम लोग बांध के बैठ गए, हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से। करेक्ट, एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं आप। ऐसा हो गया है कि हम हमारे भगवान को भी वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, हम जो चाहते हैं वैसे हमारे भगवान को बनाना चाह रहे हमारे भगवान हमारी मर्जी के हिसाब से चले। अच्छा, अब एक थोड़ा सा अंतिम, मतलब वैसे तो बहुत कुछ है बातें करने के लिए आपसे, और लिटरली मेरा आपसे कहने का मूड था, मतलब मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा कि इस वक्त आप मुझे बताइए कि दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे हैं, और अगर कम लोग जानते हैं तो मैं किडनैप करके यही बिठा लूँ, क्योंकि इतने सवाल है मेरे माइंड में आपसे पूछने के लिए कि कम से कम भी 4-5 दिन कम पड़ेंगे। अरे आपका इतना सुंदर शहर है, आप वापस बुलवाएंगे? नहीं, डेफिनेटली आपको मतलब बहुत जल्द बुलाने की कोशिश करेंगे और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा और है, अगर मैं आपसे कहूँ, मतलब मैं नहीं कोई भी अगर आपसे पूछे कि राम को डिस्क्राइब करें, राम कौन है, तो आप राम को कैसे डिस्क्राइब? राम को सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है मारीच, मारीच, मारीच जो राक्षस है, और एक समय राम से उन्होंने युद्ध भी किया है। मारीच वो है जिन्होंने फिर मृग का रूप धारण किया है ना, जब रावण ने उससे कहा कि मुझे सीता को का हरण करना है, तो उस समय रावण जब जाता है जनस्थान, अब बेसिकली दंडकारण्य, और मरीच से कहता है कि ये जो राम है ना वो तो एकदम क्या अधर्मी है, वो तो इतना बुरा है कि उसके पिताजी ने उसे घर से भगा दिया है ना, ऐसा वो अधर्मी है, उसे तो उसको एकदम कटु वचन बोलता है, ऐसा है वैसा है, और इसलिए उस राम को मुझे सबक सिखाना है और उसकी पत्नी को हरण करना है, ये सब वो कहता है। तो मरीच कहता है आप कुछ नहीं जानते श्री राम के बारे में, आप जो कह रहे हो सब गलत है, और जो मैंने पहले भी कहा, तब मारीच कहता है रामो विग्रहवान धर्मः सत्य वाक्य, राम जो है वो धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक है, धर्मज्ञ है, सत्य वाक्य है, दृढ़ संकल्पी है, और आप जो कह रहे हो ऐसा कोई भी अवगुण उनमें नहीं है, इनफैक्ट उनके पिताजी ने उन्हें नहीं निकाला घर से, परंतु उनके पिताजी के वाक्य का मान रखने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो इस वन में 14 इतने वर्षों से वास कर रहे हैं। ये श्री राम है, धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक, जिस समय जो सही है वो करो। अब क्या सही है वही प्रिय ही हर बार हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, यही तो विडंबना है ना, जब धर्म संकट होता है, दोनों ही परिस्थितियां हैं, दोनों की दोनों धर्म आपके हैं, पर फिर भी एक को चुनना है,
जब आप एक को चुनेंगे तो दूसरे के साथ तो थोड़ा अन्याय होगा ही होगा। अच्छा, आप दूसरे के साथ अन्याय होगा क्योंकि दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, उसमें आपके भी तो भावनाएं हैं, है ना। और अगर आप एक को चुनेंगे और दूसरे को नहीं चुनेंगे तो उसके रेपरकशंस भी होंगे। तो जब आप निर्णय लेते हैं तब आपको, एक तो निर्णय लेने से आप भाग नहीं सकते, निर्णय भी लेना है, जो रेपरकशन होगा उसका भी सामना करना है, और फिर भी अपना कर्तव्य निभाते ही जाना है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। फिर उसमें स्वयं को आजीवन दुख और पीड़ा हो तो भी वो करना है जो अधिक आवश्यक है, जो उनका राजधर्म कहता है। ये राम है। और मैं ये वाक्य हमेशा कहती हूँ कि राम को जज करना बहुत आसान है, अरे ये कैसे कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने राज को छोड़ देना चाहिए था। अरे हमारे लिए बैठ के बकबक करना बहुत सुलभ है। उस परिस्थिति में आजीवन स्वयं की पीड़ा, सबसे अपने अपने को जो सबसे प्रिय व्यक्ति हो उसको त्याग करना, इसलिए क्योंकि आपकी प्रजा ये चाहती है और आपका जो कर्तव्य प्रजा की तरफ है उससे आप भाग नहीं सकते। वो आपका कर्तव्य है, आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, आपका कर्तव्य है वो समझकर, वो पीड़ा सहन करते हुए अपना जो धर्म है, जो बड़ा धर्म है उसको निभाया है। राम बनना अत्यंत कठिन है, जज करना उनको आसान है, और वो राम है, रामो विग्रहवान धर्म। मतलब सचमुच में अंतिम में एक बात ही कहना चाहूंगा कि अपनी सोतेली माता द्वारा अपने पिता को, पिता से मांगे गए वचन पे, सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए अपना पूरा जीवन राजभाज काट सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना, 13 साल बिताना, और फिर ये सब कुछ होने के बाद बिना मन में 1% भी घृणा रखे उस सोतेली माता को माफ कर देना, लिटरली राम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। केवल उनको नहीं, इवन रावण को, रावण के साथ उनकी शत्रुता थी क्योंकि रावण ने गलत किया था, रावण ने श्री राम का अपराध किया था, और जब उन्होंने युद्ध किया रावण के साथ तो बिल्कुल भी दया भाव रख के नहीं किया, जैसे एक योद्धा को करना चाहिए वैसे ही किया, जब क्रोध आना चाहिए तब क्रोध भी किया, उसको अगर सुनाना चाहिए कुछ शब्दों से तो बाणों शब्दों के भी बाण उस पर चलाए, एक्चुअल बाण तो चलाए। पर जब रावण की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विभीषण कह चाह रहे थे कि, क्योंकि विभीषण के बड़े भाई है ना, तो वो कहते हैं कि मेरा भाई वैसे कैसा भी हो पर उसने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, वो बहुत विद्वान भी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका, उसकी जो अंतिम क्रिया है, अंत्येष्टि है, वो वेद के अनुसार जो भी हमारे रीति रिवाज पूरे मान सम्मान के मान सम्मान के साथ और सारे विधि के साथ करे। तो तब श्री राम कहते हैं सही बात है, मरण के साथ, शत्रु कोई भी हो उसके मरण के साथ, शत्रु के मृत्यु के साथ शत्रुता का भी अंत हो है। अब जैसे तुम्हारे लिए रावण सम्माननीय है, मेरे लिए ही उतना ही सम्माननीय है, जो भी उसके लिए तुमको करना है विधि वगैरह वो तुम जैसा होना चाहिए वैसा ही करो, मेरे मन में अब उसके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, दंड तो उसे मिल गया। ये राम कह रहे हैं रावण अपने उस शत्रु के लिए जिसकी वजह से इतना कुछ इतनी पीड़ा, हाँ, इतनी पीड़ा सही और उसके बाद भी सहेंगे बाकी में राम बनना बहुत मुश्किल है। और अब मैं मतलब मेरे लिए मेरे मन में आप भी हम लोगों ने जो बात करी उसके बाद में एक अलग पहलू राम भगवान का जागा है और मतलब और ज्यादा सम्मान मेरे मन में बढ़ गया है राम भगवान। सर मैं ये कहती हूँ हर बार कि मेरी पहली पुस्तक थी महाभारत अनरावल, और महाभारत मैंने पढ़ना भी पहले शुरू किया क्योंकि आप देखो कई बार लोग कहते हैं कि महाभारत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग है, सही बात है। और जब मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया और तब मुझे पता चला कि मुझे जो लगता था वैसा तो नहीं है, उससे तो बहुत कुछ अधिक है और कितनी सारी भ्रांतियां महाभारत के बारे में, तब जाके मुझे लगा कि कदाचित ये रामायण के लिए भी तो नहीं है, मैं जो समझती हूँ उससे कुछ अलग हो सकता है, इसलिए रामायण पढ़ना शुरू किया। और रामायण अनरावल्ड जो मेरी दूसरी पुस्तक है वो जब मैंने लिखा तो आई ऑलवेज से दिस की एक होता है ना कि इमोशनली एनरिचिंग, कि आपको जो आप कह रहे हो कि वो भाव बदल जाते हैं, समझ बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, वो जो है ना कि एक बहुत ही गहरा अनुभव जब आप लिख रहे हो तो वो पात्रों के साथ,
वो मेरे साथ रामायण अनरावल में हुआ पर क्योंकि श्रीराम की कथा ही ऐसी है, इसीलिए तो आज भी आप देखिए 22 तारीख को जब राम जन्मभूमि राम लल्ला का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा उत्सव था देश भर में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और गरीब हो अमीर हो हाँ। वो भाव ही अलग है श्री राम के लिए, जिनके लिए इतने सारे वर्षों तक हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों और पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, ये वो राम है। और मतलब, और ये अक्रॉस द मतलब पॉलिटिक्स कुछ भी कहे, लेकिन अगर हम लोग आम जनता में देखें तो पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाके हुआ है सेलिब्रेशन, लोग रोए हैं, लोगों ने संकल्प किया है कि हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम खाना छोड़ देंगे, हम चप्पल पहनना छोड़ देंगे। क्यों है ये? क्योंकि राम राम है, राम राम। अमित जी बहुत सारी बातें आपसे और करना है, बहुत सारी बातें डिस्कस करना रह गई, रावण का पूरा पहलू, सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, है ना, सब कुछ डिस्कस करना है। अगली बार आपसे एक बार फिर से हम आपको बुलाएंगे और बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से यहीं पे इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, लेकिन पॉडकास्ट खत्म करने से पहले, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब ये कल शाम को ही मेरे मन में भाव आया था और मुझे लगता है मुझे लाइन आपको बोलना पड़ेगी कि मतलब सचमुच में मुझे पिछले 24 घंटे से ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वाकई में राम आए। अरे सचमुच में, मतलब मैं आपके मन में है ना, हाँ मैं बहुत मतलब मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, है ना, कुछ सवाल मैंने आपसे प्राइवेट में भी पूछे, है ना, और जब तक अगर आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते ना तो आपके मन में वो भावना जग नहीं पाती, जब सवालों के जवाब मिलते हैं तब आपके मन में भावना और ज़्यादा क्लियर, आपके माइंडसेट क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपको, एक बार नहीं मेरे साथ, जब तक आप लिखते रहेंगे रामायण महाभारत पे, जब तक सवाल आते रहेंगे तब तक आपको आना पड़ेगा और सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय श्री राम।